गुड मॉर्निंग फ्रेंड फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है, वेलकम इन माय सेशन। और आज हम लोग करंट अफेयर्स रैपिड फायर लेके आए हैं, वीकली करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिखा है 1st to 6th March 2021। सो जितनी भी करंट अफेयर्स मैंने आपको पढ़ाई है इस वीक में, उसको एक बार हम रैपिड फायर रिविजन करेंगे इसको। और हमारे साथ पूर्णिमा तिवारी जी जुड़ गई है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल बेटा। और सभी को नमस्कार, राधे राधे। फटाफट हम लोग स्टार्ट करेंगे। और उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आपको यूज करना होगा मेरा कोड ARS50। बेटा आपके सर का कोड है ARS50। ठीक है, अगर आप ARS50 कोड का यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। और अगर मैं बात करूं तो SSC बैंक और रेलवे, इनके कॉम्बो पैक्स भी अवेलेबल हैं। और आपको एक और सूचना दे दूं कि 3 मार्च की अगर हम बात करें तो 3 मार्च 2021 से हमारे नए बैचेस जो बैंक के आने वाले 2021 में जितने भी बैंक के एग्जाम होंगे, सभी बैंक के एग्जाम के लिए हमारे न्यू बैचेस भी आए हैं। अगर आप में से कोई जुड़ना चाहे तो बिल्कुल जुड़ सकता है, वेलकम है। ये देखिए टॉप एजुकेटर्स, टॉप बैचेस हैं जो आ गए हैं आपके लिए। और यहाँ पे सभी बेस्ट एजुकेटर्स आपके लिए पढ़ा रहे हैं, हर एक एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। और आपको बस इसके साथ जुड़ना है और जुड़ के फटाफट जुड़ना है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी तैयारी को पूर्ण आयाम देना है। जो भी बेस्ट आपको अच्छा लगे, जो बैच आपको अच्छा लगे, बेस्ट लगे, उस बैच को आप ज्वाइन करिए। संडे आज मॉर्निंग 10 AM आपके लिए कॉम्बैट है, आपके लिए कहते ना कि एक ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट है, जो कौन करा रहा है, अन अकेडमी कॉम्बैट के नाम से होना है। सो अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, करना ही चाहिए, मेरे हिसाब से करना ही चाहिए। अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट करने के लिए, आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि संडे सिर्फ कहने के लिए होता है, संडे मतलब आराम हराम है। आप तब तक नहीं कर सकते संडे एंजॉय जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती। और जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी, आप संडे नहीं सैटरडे भी एंजॉय करिएगा। सो ये है समय जहां मेहनत करनी है दिल तोड़ के। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ मेरा कोड मैंने आपको बता दिया है। मेरा कोड क्या है बेटा, ARS50। आवाज मेरी साफ आ रही है सभी को, ARS50। ठीक है, SSC बैंक रेलवे के कॉम्बो भी अवेलेबल है। और आपको बता दें आपके सर का कोड क्या है बेटा, ARS50। अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सेशन में, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार चैट बॉक्स में जरूर आ जाएं बेटा, जिससे हमें पता चल जाए कि कौन कौन पढ़ रहा है और उनको क्या क्या हेल्प हम कर सकते हैं। पहली खबर या पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय दवा कंपनी बायोटेक के साथ, भारत बायोटेक के साथ COVID-19 वैक्सीन की 2 करोड़ खुराकों का करार किया है। यानी उस देश में इस समय देखा जाए तो बहुत ज्यादा कोविड के केसेस आ रहे हैं और उस देश ने भारत बायोटेक के साथ क्या किया, करार किया है। सो रिसेंटली विच कंट्री हैज साइन अ डील विद इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक टू बाय 2 करोड़ डोज ऑफ COVID-19 वैक्सीन। सो फटाफट, द ब्राजील है क्या उसका आंसर, मेक्सिको है, चाइना है, जापान है, अर्जेंटीना, फटाफट आंसर चाहिए। और अगर बात करें तो इसका सही आंसर है ब्राजील। क्या है बेटा सही आंसर, ब्राजील। क्या है सही आंसर, ब्राजील इज द राइट आंसर। ठीक है, सो हाल ही में ब्राजील ने, किसने बेटा, ब्राजील ने भारत बायोटेक के साथ क्या किया है, करार किया है 2 करोड़ डोज के लिए। और अगर हम बात करें तो यह सौदा 1.6 अरब डॉलर का है। ठीक है, अरब डॉलर का है। ठीक, और अगर हम बात करें इसी में एक लाइन और बढ़ा दें तो जो सबसे ज्यादा प्रभावित देश है वो है ब्राजील, कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे भारत है, और नंबर 3 पे कौन आ गया है बेटा, ब्राजील। ठीक है, और यहाँ की अगर राष्ट्रपति की बात करें तो इनके राष्ट्रपति का नाम है जायर बोल्सोनारो। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है, राजधानी सबको पता है ब्राजीलिया। और अगर ब्राजील की बात करें तो ब्राजील इज द मेंबर ऑफ ब्रिक्स। किसका मेंबर है बेटा, ब्रिक्स का मेंबर है। और ब्रिक्स का जो बैंक है उसका नाम है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम है, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और अगर हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका का कॉन्टिनेंट है ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा देश है वो है कौन सा, ब्राजील। कौन है बेटा, ब्राजील। सो ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल और महत्वपूर्ण देश है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा हाल ही में किए गए संशोधनों के अनुसार उन देशों का नाम बताइए जिन्हें ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। पाकिस्तान के लिए हमेशा बात आती रही रिसेंटली, पाकिस्तान के लिए बात हमेशा आती रही कि इसे ब्लैक लिस्ट ना कर दिया जाए क्योंकि ये ग्रे लिस्ट में था। किसमें था, ग्रे लिस्ट में। सो आपको बताना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है उसके ब्लैक लिस्ट में कौन कौन से दो देश हैं, ठीक है? तो इसका सही आंसर है नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। कौन है बेटा? नॉर्थ कोरिया और ईरान, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के निगरानी बढ़ाने के लिए मोरक्को, बुर्किना फासो, सेनेगल और कैमेन आइलैंड को आतंकी वित्त पोषण के लिए ग्रे लिस्ट में रखा है। किसमें रखा है बेटा? ग्रे लिस्ट में रखा है। और उसने उत्तर कोरिया और ईरान को अपने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। किसमें डाल दिया बेटा? ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, ठीक है। सो ब्लैक लिस्ट में चले गए हैं, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना G7 कंट्रीज ने की थी, ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज ने की है। और इसका मुख्यालय कहां पे है बेटा? फ्रांस, पेरिस में। कहां पे है बेटा? पेरिस में। कहां पे है? पेरिस में, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर कोरिया के नए नौसेना प्रमुख में किसे नियुक्त किया है? उत्तर कोरिया Who has been appointed as a new naval chief of North Korea? North Korea के नए naval chief कौन बनाए गए हैं? North Korea के नए naval chief कौन बनाए गए हैं? फटाफट बताइए, उत्तर कोरिया के नए naval chief कौन बनाए गए हैं? फटाफट आंसर दीजिए भाई, जुड़ते जाइए। देखो मेरा गला खराब है, मैं बहुत तेज चिल्ला नहीं पाऊंगा, लगातार क्लास कल पढ़ाई है और गला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। और यहाँ पे ये संशोधित है बेटा, 8 बजे डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। सो उत्तर कोरिया के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट आपको बताना है। उनका नाम है किम सेंग गिल। क्या नाम है बेटा? किम सेंग गिल। किम सेंग गिल, ठीक है। किम सेंग गिल साहब को क्या नियुक्त किया गया है? इन्हें उत्तर कोरिया का नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया। और उत्तर कोरिया की अगर हम बात करें तो प्योंगयांग। क्या बेटा? प्योंगयांग। प्योंगयांग, प्योंगयांग यहाँ की क्या है? राजधानी है। आप हमेशा समाचार में सुनते होंगे। और यहाँ का सर्वोच्च नेता है किम जोंग उन। क्या नाम है बेटा? किम जोंग उन। किम जोंग उन, ठीक है। किम जोंग उन साहब यहाँ के सर्वोच्च नेता हैं। मेरे पास चैट नहीं दिखाई दे रहा है, रीजन क्या है बेटा? आप लोग चैट नहीं कर रहे हैं क्या? ओके, आप लोग कर रहे हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लता सिंह जी स्वागत है आपका, पूर्णिमा जी आपका स्वागत है, राकेश शर्मा आपका स्वागत है, आप सभी का स्वागत है बेटा। मुझे चैट दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से सिर्फ मुझे एक ही चैट दिखाई दे रहा था, गुड मॉर्निंग का। और अब दिखने लगे पूर्णिमा सिंह जी, पूर्णिमा तिवारी जी ने आंसर दे दिया, पूर्णिमा तिवारी जी ने आंसर दे दिया है। और बता दें कोरिया महाद्वीप में, कोरिया जो दो देश है, दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया, दोनों की करेंसी क्या है बेटा? वॉन है। क्या है बेटा? वॉन, ठीक है। जब उत्तर कोरिया की बात होती है तो उत्तर कोरियन वॉन कहलाता है, जब दक्षिण कोरिया की बात होती है दक्षिण कोरियन वॉन कहलाता है, ठीक है। सो उत्तर कोरिया ने अपने नए नौसेना प्रमुख किसको सेट कर दिया है? किम सोंग गिल को। किसको कर दिया? किम सोंग गिल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट आंसर देते जाइए भाई, फटाफट आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन, राकेश शर्मा जी आ गए, यस सर यस सर यस सर, सभी लोग आ जाओ बेटा। देखो गुड मॉर्निंग के साथ क्या लिखा है राकेश सर ने, गुड मॉर्निंग सर, हैव अ नाइस डे। यस, हैव अ नाइस डे, सभी के लिए अच्छा हो, आपके लिए भी शुभ हो ये दिन। और नेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पपुआ गिनी, पपुआ न्यू गिनी, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। उन प्रांत, उस प्रधानमंत्री का नाम बताना है न्यू पपुआ गिनी के, जिन्हें फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्र का पिता कहा जाता है। जैसे भारत में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। ऐसे ही पपुआ न्यू गिनी के उन प्रधानमंत्री का नाम बताना है जिन्हें क्या कहा जाता है बेटा? जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ द नेशन। सो उनका नाम क्या है? तो अगर हम बात करें तो उनका नाम क्या है बेटा? उनका नाम है माइकल सोमारे। क्या नाम है? माइकल सोमारे। क्या है बेटा? माइकल सोमारे। माइकल सोमारे इज द प्राइम मिनिस्टर, पपुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री। ये कैसे प्रधानमंत्री थे बेटा? पहले प्रधानमंत्री थे। और इनका नाम क्यों आ गया चर्चा में? क्योंकि प्रधानमंत्री थे, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई है 84 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? 84 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन गए हैं। और अगर हम न्यू पपुआ गिनी की बात करें तो पोर्ट मोरेस्बी यहाँ की क्या है बेटा? पोर्ट मोरेस्बी यहाँ की क्या है? राजधानी है, ठीक है। और जेम्स मारापे यहाँ के प्रधानमंत्री, इस समय जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है बेटा? जेम्स मारापे। बिल्कुल सही है, लता जी ने आंसर सही दे दिया, पूर्णिमा तिवारी ने सही आंसर दे, जेम्स मारापे। मरापे जी यहाँ के क्या है बेटा? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय अभी इस क्लास के बाद बांग्लादेश के मुजस्सर रहमान जी, जिनके नाम पर यूनेस्को अवार्ड देगा। यस यस, ठीक है। कृष्णा चंद्र जी, गुड मॉर्निंग। इसी क्लास के बाद इसी क्वेश्चन और सोल्यूशन, इन दोनों चीजों को मैं PDF में कन्वर्ट करके आपके पास तक
पहुंचा दूंगा। सो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सिर्फ इस समय फोकस करिए क्लास पे, इस समय फोकस करिए क्लास पे, और इसके बाद अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी तुरंत आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगी वीकली करंट अफेयर्स विद फुल एक्सप्लेनेशन। आपको कहीं पे भी कोई मैगजीन मैगजीन खरीदने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। भारतीय सरजमी पर टेस्ट क्रिकेट के कप्तान के रूप में सर्वाधिक जीत के लिए एमएस धोनी के रिकॉर्ड को पीछे किसने छोड़ दिया है, फटाफट बताइए। एमएस धोनी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने वाले कप्तान का नाम आपसे पूछा गया है। और कल इंडिया ने फिर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी की है। और राकेश शर्मा ने विराट कोहली का नाम लिया, बिल्कुल सही है। हाल ही में तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड पर भारत की 10 विकेट की जीत, और कल भी 10 विकेट की जीत है, 25 रन और 10 विकेट से कल भी जीता है, ठीक है, पारी से, सॉरी। तो हाल ही में तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड पर भारत की 10 विकेट की जीत के साथ विराट कोहली ने भारतीय सरजमी पर कप्तान एमएस धोनी, पूर्व कप्तान एमएस धोनी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है, पीछे छोड़ दिया है, फटाफट पीछे छोड़ दिया है। अगर हम बात करें तो विराट कोहली के बारे में चार पांच बातें बता दें। 2013 विराट कोहली 2013 में इनको दिया गया है अर्जुन पुरस्कार, 2017 में इन्हें दिया गया है पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न 2018 में, राजीव गांधी खेल रत्न इनको दिया गया है 2018 में, और 2008 में ये अंडर 19 टीम के कप्तान थे, और इन्होंने क्या जीता था, वर्ल्ड कप जीता था। क्या जीता था बेटा, वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। सो अगर हम बात करें तो विराट कोहली साहब के साथ जितनी भी चीजें जुड़ी है वो सब मैंने आपको बता दी है। हाल ही में अगला क्वेश्चन आ गया, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भवानी सागर बांध को आधुनिक बनाने के लिए आधारशिला रखी, इस संदर्भ में आपको बताना है कि ये बांध किस राज्य में है। और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं जब मैं बांध पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था बेटा, बांध पढ़ा रहा था। और भवानी सागर बांध किस राज्य में, फटाफट आंसर दीजिए, भवानी सागर बांध किस राज्य में है, आप सभी को आंसर देना है फटाफट। अंकित गिरी जी स्वागत है आपका, वेलकम, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, गुड मॉर्निंग अंकित सर। और अगर बात करें तो तमिलनाडु, भवानी सागर बांध कहां पे बेटा, तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबतूर में 12,400 करोड़ से अधिक की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, जिसमें सबसे प्रमुख है भवानी सागर बांध का आधुनिकरण। और भवानी सागर बांध भवानी नदी के ऊपर बना है, किसके ऊपर बना है बेटा, भवानी नदी के ऊपर बना, इसीलिए इसे कहा जाता है भवानी सागर। दो लाख एकड़ जमीन पे ये सिंचाई की सुविधा देता है, कौन सा बांध, भवानी सागर। सो फिफ्थ का सी था, बिल्कुल सही है बेटा। लेकिन हम लोग पहुंच गए हैं इस समय क्वेश्चन नंबर सिक्स पे, ठीक है, किस पे पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। एक बार आप सेशन को रोक के फिर से ज्वाइन करिए तो आपको सही दिख जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांध के रूप में इसे जाना जाता है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी वाला बांध है, ठीक है, मिट्टी वाला बांध है बेटा। और अगर हम बात करें तो इसे 1955 में खोला गया था, 1955 में इसे खोला गया था, 1955 में इसे खोला गया था। और तमिलनाडु के बारे में बता दें तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है ए.के. पलनीस्वामी, और राजधानी चेन्नई है, और बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के क्या है बेटा, मुख्यमंत्री है, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अभिषेक सर पहचाना पचना डैम अलवर, इन्होंने बोला एक डैम के बारे में बताया, पचना डैम, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, मूडीज इन्वेस्टर्स ने के अकॉर्डिंग भारत की जीडीपी ग्रोथ 2022 के लिए कितनी है, यानी अगर हम बात करें तो ये सही नहीं है बेटा, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था 2021 और 22 को ही लिखा जाता है, फाइनेंशियल ईयर 2022। सो 2021-22 या फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी है, ये किसने बताया है, मूडीज के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, मूडीज के अकॉर्डिंग। 6 का डी आंसर दे दिया, आप लोगों के पास क्या स्लो चल रहा है, एनोनिमस जी ने बी आंसर दे दिया, वेल डन एनोनिमस, आ गए हैं बी आंसर दे दिया, और बी इज द राइट आंसर, 13.7% कितना रखा है मूडीज द इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022 में 13.7% की वृद्धि दर भारत हासिल करेगा। और अगर मूडीज की बात करें तो मूडीज जो रेटिंग एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, कहां पे है बेटा,
न्यूयॉर्क में है। कहां पे? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, इस कंपनी की स्थापना 1909 में हुई थी। अंकित गिरी जी ने भी बी आंसर दे दिया। एक बार शेयर और लाइक ठोक दो बेटा, एक बार शेयर और लाइक ठोक दो जिससे, और उसमें लिख देना नीचे कमेंट के रैपिड फायर वीकली करंट अफेयर जिसने हफ्ते भर नहीं पढ़ा वो एक साथ बैठ के पढ़ सकता है फटाफट, और इसके बाद फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लंदन स्थित प्रौद्योगिकी फर्म नथिंग इंडिया आधारित व्यापार के नए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधन के रूप में किसे चुना गया है? Who has been robed in the new vice president and general manager of London based technology firm Nothing India based business, Nothing India based business के लिए किसे चुना गया है एमडी के तौर पे? फटाफट आंसर देना है। और अंकित गिरी ने बी आंसर दिया है, वर्ल्ड बुलर। अख्तर जी ने क्या लिखा है? वर्ल्ड ब्लर। अच्छा, वर्ड ब्लर आ रहे हैं, ब्लर नहीं आ रहे हैं मेरे भाई, ब्लर नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो सही दिखेगा। आप देखिए सही दिख रहा है बिल्कुल। जब भी आप स्लाइड चेंज करते हो तो अब आपको ऐसा लगता है, क्योंकि हम जब स्लाइड चेंज करते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन बिल्कुल एक सेकेंड के अंदर वो सही हो जाएगा बेटा। सो लंदन स्थित प्रौद्योगिकी कंपनी नथिंग इंडिया के एमडी कौन बनाए गए हैं, या अगर हम बात करें तो महाप्रबंधक जनरल मैनेजर कौन बनाए गए हैं? मनु शर्मा। कौन बनाए गए हैं बेटा? मनु शर्मा बनाए गए हैं, मनु शर्मा, ठीक है। सो अगर हम बात करें तो जो लंदन स्थित प्रौद्योगिकी फर्म नथिंग इंडिया ने अपने भारत स्थित उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में वाइस प्रेसिडेंट और महाप्रबंधक मैनेजिंग डॉक्टर सैमसंग मोबाइल के मनु शर्मा की नियुक्ति कर दी है। किसकी कर दी है? मनु शर्मा की नियुक्ति कर दी है, ठीक है। तो मनु शर्मा बनाए गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने विदेशी निवेश को गति देने के लिए किस निवेश बैंकिंग कंपनी के साथ समझौता किया है? फटाफट बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक ने एनोनिमस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सही था, सी इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने विदेशी निवेश को गति देने के लिए किस निवेश कंपनी के साथ समझौता किया है, ठीक है। और एट का सी बिल्कुल सही है, एट का सी। अब नौवें नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज टाई अप विद विच इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी टू स्पीड अप ओवरसीज ट्रांजेक्शंस को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है? क्या मॉर्गन स्टैनली है, क्या गोल्डमैन स्कैच है, या वॉल्स फार्गो है, या बैंक ऑफ अमेरिका, या जेपी मॉर्गन है? फटाफट आंसर दीजिए भाई, फटाफट आंसर दीजिए। और इसका सही आंसर जेपी मॉर्गन है। कौन सी कंपनी है बेटा, कौन सी कंपनी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है जेपी मॉर्गन। क्या है बेटा? जेपी मॉर्गन। भारतीय स्टेट बैंक ने विदेश निवेश को गति देने के लिए अभी हाल ही में जेपी मॉर्गन के साथ क्या किया है बेटा? एग्रीमेंट किया है। और अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो आप सभी को पता है दिनेश कुमार खारा। क्या नाम है बेटा? दिनेश कुमार खारा इसके चेयरमैन है। दिनेश कुमार खारा साहब इसके चेयरमैन है और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट बताना है भाई। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभिषेक, एसबीआई पीओ और क्लर्क के पुराने ईयर्स के पेपर कहां मिल सकते हैं सर? बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, आपको गूगल पे सर्च करना है, आसानी से मिल जाएगा, मैक्सिमम वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगा बेटा। और इसके साथ साथ आपको हम एक बात और बता दें, प्रीवियस ईयर की किताब भी आती है, मैगजीन्स में भी प्रीवियस ईयर के पेपर आते हैं, सो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बता दें, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? शरद गोकलानी साहब बनाए गए हैं। और शरद गोकलानी की बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शरद गोकलानी को अपना नया अध्यक्ष और मुख्य तकनीकी अधिकारी बनाया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 1996 में जयपुर में एयू फाइनेंसर्स के रूप में हुई थी, ठीक है। सो एयू फाइनेंसर्स जो थे यही लाइसेंस लिए हैं, किसका? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। सो नाइन्थ की बात अभी कर रहे हैं आप लोग, और हम लोग टेंथ क्वेश्चन पे आ गए। हम लोग किस पे आ गए? टेंथ क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है। एक बार थोड़ा सा अपने इंटरनेट को चेक कर लीजिए, थोड़ा सा चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, किस तेज गेंदबाज ने धमिका प्रसाद ने
किस देश के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। सो हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज ने अभी क्रिकेट संन्यास लिया है, और ये तीसरा नहीं चौथा, तीसरा चौथा नाम है पिछले दो महीने में जो क्रिकेट से संन्यास लेता जा रहा है। और अगर हम बात करें तो किस देश, वो देश है श्रीलंका। कौन सा देश है बेटा? धमिका प्रसाद कहां के तेज गेंदबाज थे? श्रीलंका। राकेश शर्मा ने आंसर दे दिया, सर कल का पेपर आरबीआई का टफ आया था। यस राकेश शर्मा, कल का पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड था, थोड़ा सा स्टैंडर्ड पेपर था, लेकिन सरल भी था। देखो बेटा, जब भी कोई पेपर आता है एग्जाम में, कभी भी 100% सॉल्व नहीं होता, ठीक है। 100% जो सॉल्व करता है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, रीजन कि वो एरर कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो 40 से 45% सरल था, 45% पेपर सरल था, और 5 से 10% पेपर था वो मॉडरेट था, ठीक है। लेकिन 30% पेपर टफ था, 30% पेपर टफ था, ये मॉडरेट था और ये इजी था, ठीक है, ये इजी था, ठीक। सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं बेटा, इसीलिए देखो जनरल अवेयरनेस कभी भी आप 5 दिन पढ़ोगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि जब आप 5 दिन पढ़ोगे तो आपको 6 दिन पहले की खबर सुनने को मिलेगी, आप कहोगे मुझे आता नहीं। तो इसीलिए जब आप 3 महीने लगातार दम लगा के पढ़ते हो तब आपको 70% करंट अफेयर्स कवर करने की ताकत मिल जाती है। कितने? 70% का जो जनरल अवेयरनेस का पेपर है वो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी क्या है बेटा? दो राजधानी है, एक कोलंबो है, एक श्री जयवर्धने कोट्टे है। क्या है बेटा? श्री जयवर्धने कोट्टे। और यहाँ के जो राष्ट्रपति, उनका नाम है गोटाबाया। क्या नाम है बेटा? गोटाबाया राजपक्षे। क्या नाम है? गोटाबाया राजपक्षे साहब यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अब यहाँ श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में अभी ये चौथे प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। क्या लिया है? संन्यास लिया, और उनका नाम है धमिका प्रसाद। क्या नाम है बेटा? धमिका प्रसाद। क्या नाम है? धमिका प्रसाद। लता जी ने सी आंसर दे दिया, वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पूरी पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगी क्लास के बाद, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है बेटा। अगर आवाज स्लो हो रही हो तो प्लीज बता देना, क्योंकि बेटा मेरा गला बैठा है इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूं, चिल्ला नहीं रहा हूं। चीन में बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र को 14 साल से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, यही पर ईस्ट में पोर्ट डेवलप करेगा भारत और जापान मिलकर। यस, ये कल की खबर है, कल की खबर है, अभी ये पढ़ाऊंगा मैं, ये पढ़ाऊंगा राकेश शर्मा जी, अभी ये पढ़ाऊंगा मैं, अभी ये पढ़ाऊंगा कि कौन सा पोर्ट डेवलप हो रहा, कहां पे डेवलप हो रहा है, जापान के साथ। तो अगर बात करें, एनोनिमस जी ने सही आंसर दे दिया, बिल्कुल सही, एनोनिमस जी ने सही आंसर दे दिया, चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र को 14 साल से घटाकर 12 साल कर दिए। कितनी कर दिए बेटा? 12 साल कर दिए, ठीक है। और यह नया कानून 1 मार्च से लागू हो जाएगा बेटा। कब से लागू हो जाएगा? 1 मार्च से लागू हो जाएगा, 1 मार्च से लागू हो जाएगा, ठीक है, 1 मार्च से लागू हो जाएगा। चीन के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है, राजधानी का नाम, राजधानी का नाम क्या है बेटा? बीजिंग है। क्या है? बीजिंग है। और यहाँ पे करेंसी को दो नामों से जाना जाता है, एक युआन और एक रेन मिनबी। एक रेन मिनबी के नाम से जाना जाता है, युआन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक बात और बता दे चीन के बारे में, चीन में दो बैंक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर संघाई में है। कहाँ पे बेटा? संघाई में है। और दूसरा है AIIB, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बेटा? बीजिंग में है। कहाँ पे है बेटा? बीजिंग में, ठीक है। सो चाइना से रिलेटेड ही है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है चाइना से ही रिलेटेड है ये दोनों बैंक, ठीक। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ सलाहकार साहित्यकार डॉक्टर सूर्य बाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? हाल ही में भारत भारती सम्मान किसको मिलने जा रहा है? भारत भारती सम्मान कौन सा राज्य देने जा रहा है डॉक्टर सूर्य बाला को? डॉक्टर सूर्य बाला को एनडीबी AIIB, बिल्कुल सही है राकेश सर, बिल्कुल सही है। और एनोनिमस जी और लता जी और पूर्णिमा जी और आप लोग भी प्लीज प्लीज, अंकित गिरी जी, आप सभी लोग चैट में लिखते रहो बेटा, जो भी आपको पता उस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कहीं का भी उसे जरूर लिखो बेटा, शायद मैंने नहीं देखा हो और मैंने जो लिखा है वो आपने नहीं देखा हो। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में डॉक्टर सूर्यवाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। और इस सम्मान के तहत, कौन से सम्मान के तहत? भारत भारती सम्मान, भारत भारती सम्मान के तहत, ठीक है। भारत भारती सम्मान सबसे पहले तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1982 में इस सम्मान की शुरुआत हुई थी,
इसके तहत 5 लाख रुपए दिया जाएगा। कितने लाख रुपए? 5 लाख रुपए दिया जाएगा। और अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल, और लखनऊ यहाँ की राजधानी है, और लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा है, ठीक है। अभिषेक जायसवाल सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पूर्णिमा जी ने 13 का बी आंसर दे दिया, वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य में अटुकल पोंगाल उत्सव आयोजित किया जाता है? किस राज्य में अटुगल पोंगाल उत्सव आयोजित किया जाता है? क्या वो तमिलनाडु है, क्या वो उड़ीसा है, क्या वो केरला है, या सिक्किम है, या असम है? फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। नौटंकी यहाँ का डांस है, उत्तर प्रदेश का डांस है नौटंकी। नौटंकी यहाँ का डांस है यूपी का, बिल्कुल सही है राकेश सर, यूपी का डांस है नौटंकी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, किस राज्य में अटुकल पोंगाल उत्सव आयोजित किया जाता है? नौटंकी शादी में बहुत की जाती है उत्तर प्रदेश में। नौटंकी कहाँ की जाती है? शादी में, शादी में नौटंकी होती है कि नहीं होती है? केरला इज द राइट आंसर, केरला इसका सही आंसर है बेटा। केरला आंसर दे दिया है सी, 14 का सी आंसर दे दिया है एनोनिमस जी ने, 14 का सी है बेटा आंसर, केरला। लता सिंह जी, केरला आंसर इसका। अगर बात करें तो तमिलनाडु में इसका इफेक्ट दिखता है, लेकिन मुख्य तौर पे इसे तिरुवनंतपुरम केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? अटुकल मंदिर है, कहाँ पे है अटुकल मंदिर बेटा? अटुकल मंदिर है तिरुवनंतपुरम केरला में, ठीक है। तो अटुकल पोंगल एक 10 दिवसीय त्यौहार है जिसे अटुकल मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल में मनाया जाता है। एक इस दिन अटुकल देव की पूजा की जाती है। और अगर हम केरला की बात करें तो केरला में 3 बातें आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप समझ लीजिए, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पी विजयन, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं, और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं एस मनी कुमार। कौन है बेटा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस? एस मनी कुमार यहाँ के क्या है बेटा? एस मनी कुमार यहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और अगर बात करें तो पेरियार जो रिवर है, पेरियार रिवर भी कहां पे, पेरियार नदी कहां पे बहती है बेटा? कहां पे बैठी है? केरला में। कहां पे बहती है? केरला में, बिल्कुल सही है पूर्णिमा जी, केरला। राकेश सर ने भी केरला आंसर दे दिया, वेल डन, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये रहा, एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ का फुल फॉर्म होता है। एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट, वर्ल्ड एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट, तो 27 फरवरी को, 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ दिवस। वन स्कूल वन आईएएस यहां की स्कीम है, यस। केरला में अभी हाल ही में वन स्कूल वन आईएएस स्कीम लॉन्च की गई मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा। किसके द्वारा? आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा, बिल्कुल सही है बेटा, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और जेंडर पार्क भी केरल में स्थापित किया गया है, जेंडर पार्क भी केरल में स्थापित किया गया है, जेंडर पार्क भी केरल में ही स्थापित किया गया है। वर्ल्ड एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? 27 फरवरी को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। कब की गई थी बेटा? यूनाइटेड नेशंस ने 2014 में ये घोषणा की थी यूनाइटेड नेशंस ने कि 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ दिवस मनाया जाएगा। और पहली बार अगर आपने सुना हो तो फिनलैंड का नाम सुना है, फिनलैंड, बिल्कुल सही है, फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की में इसको आयोजित किया गया था। कहां पे? फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की में इसको आयोजित किया गया था। यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें तो इसके जो अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। क्या नाम है बेटा? एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। गुटेरेस साहब यहाँ के क्या है बेटा? गुटेरेस यहाँ पे क्या है? अध्यक्ष है, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है बेटा? न्यूयॉर्क। कहाँ पे है बेटा? न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर, ठीक है। और टोटल 193 मेंबर्स है, 193 देश इसके सदस्य है, 193 देश इसके सदस्य है, ठीक है। वर्ल्ड एनजीओ दिवस 2021 विश्व भर में हर साल 27 फरवरी को एनजीओ डे मनाया जाता है। 27 फरवरी 2014 को फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की में पहली बार संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया था, ठीक है। ये पूरा खबर आपके लिए बता दी मैंने। महत्वपूर्ण सामाजिक मीडिया मध्यस्थ को परिभाषित करने के लिए उपयोगकर्ताओं की सीमा क्या है, ठीक है। व्हाट इज द लिमिट ऑफ द यूजर टू डिफाइन सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी? फटाफट इसका आंसर देना है भाई। सोशल मीडिया वाला क्वेश्चन है, कितने लाख पे इसकी बात होती है? सो इसकी बात होती है 50 लाख पे। कितने पे होती है? 50 लाख इज द राइट आंसर, इज 50 लाख। कितना है बेटा?
50 लाख इज द राइट आंसर, 50 लाख इज द राइट आंसर, 50 लाख सही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत में 5 मिलियन पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ के रूप में परिभाषित करने के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थ के रूप में निर्दिष्ट किया है। यानी 50 लाख जहां पे क्या है बेटा पंजीकृत लोग हैं, वहां उसको क्या किया गया है इंटरमीडिएटरी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया का टैग दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ हॉटलाइन स्थापित करने के लिए सहमत हो गया है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अभी 70 कंट्री ने मिलकर 2023 में मिलिंड्स डे सेलिब्रेट करेंगे। ओके, 2023 में मिलिंड्स डे, मिलिंड्स डे मतलब बाजरा दिवस सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल सही है बेटा, बाजरा दिवस, बाजरा दिवस। ये बेटा 70 लोग मिलके नहीं करेंगे, 70 लोगों ने भारत का, 70 देशों ने भारत का समर्थन किया है। क्या किया है बेटा, भारत का समर्थन किया है। क्या किया, भारत का समर्थन किया राकेश सर। ठीक है, भारत का समर्थन किया है जिससे ये मान्यता मिल गई है। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन, शिल्पा जी ने आंसर दे दिया है ए, एनोनिमस ने कहा है मिलिट्स, मिलिट्स इज द राइट आंसर, मिलिट्स सही है बेटा, मिलिट्स है इसको सही अगर कहा जाए तो मिलिट्स कहा जाएगा, मिलिट्स बिल्कुल सही है, एनोनिमस मिलिट्स की बात हो रही है बाजरा। तो अगर बात करें भारत ने किस देश के साथ अपनी हॉटलाइन स्थापित की है, तो विवाद किस देश के साथ चल रहा है, चाइना के साथ। किसके साथ चल रहा है विवाद, चाइना के साथ। सो अगर बात करें तो चाइना के साथ भारत ने हॉटलाइन स्थापित की है। हॉटलाइन का मतलब क्या है कि तुरंत के तुरंत बात हो जाए, क्या हो जाए, तुरंत के तुरंत बात हो जाए, विवाद को बढ़ने के लिए समय ना मिले। ठीक है, सो अगर हम बात करें तो कहां पे बेटा हॉटलाइन, और अगर बात करें तो चीन का मैनचेस्टर, चीन से खबर और बता दें, चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, फटाफट बताइए, चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, संघाई को, किसको कहा जाता है, संघाई को, चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। टाइप मिस्टेक हुई है मेरी, कोई बात नहीं राकेश सर, हम समझ गए, तभी मैंने बाजरा लिख दिया ऊपर, देखिए आप, अरे फीलिंग समझना चाहिए, फीलिंग समझ में आनी चाहिए। गुड मॉर्निंग म्यूजिक लवर भारती, गुड मॉर्निंग, बहुत दिनों बाद मेरा दोस्त म्यूजिक लवर भारती, बहुत दिनों बाद आप दिखे हैं, वेलकम 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 वेलकम। स्नेहा सिंह भी आ गई हैं, संघाई इज द राइट आंसर, वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया, चीन का मैनचेस्टर संघाई कहलाता है। ठीक है, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी जीडीपी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसे कहा जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2021, क्या कहा जाएगा, वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी में वृद्धि दर क्या है। तो ये तो माइनस में है बेटा, और इनके अकॉर्डिंग -8% है, संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्ट 8% है, 8% माइनस जीडीपी ग्रोथ रहेगी भारत की इनके अनुसार, किसके अनुसार, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन के अनुसार। बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो शेर आ गए हैं मैदान में और उतरेंगे मैदान में और उड़ाएंगे, सो द राइट आंसर इज बी, लता सिंह जी द राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISc के अनुसार 2020 में दुनिया में सर्वाधिक रक्षा पर पैसा खर्च करने वाला देश कौन सा है, रक्षा पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला देश 2020 में कौन सा है, फटाफट आंसर दीजिए भाई, रक्षा पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला देश कौन सा है 2020 में। तो आप सभी को पता है कि इस बार सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका ने खर्च किया है। ब्रिटिश थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने कहा सैन्य खर्च में वर्ष 2020 में $1.8 trillion के आंकड़े को छू लिया है, और इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रक्षा खर्च करने वाला देश अमेरिका है, और इसके बाद चीन का स्थान आता है। नंबर एक पे अमेरिका ने पैसा खर्च किया है, नंबर दो पे चीन ने, और अभी फिर एक खबर आई है कि चीन ने अपने बजट में 6.4% की बढ़ोतरी की है, किसमें की है, रक्षा बजट में चीन ने कोरोना वायरस होने के बाद भी 6.4% की रक्षा बजट में वृद्धि की है चाइना ने, किसने बेटा, चाइना ने। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन, अगला बिल्कुल सही है 19 का सी, अमेरिका फर्स्ट है चाइना सेकंड है, बिल्कुल सही है राकेश शर्मा सर, बिल्कुल सटीक आंसर दे रहे हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। यस, चाइना दूसरे नंबर पर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। राही राज भी आ गए हैं, वेलकम वेलकम, एनोनिमस जी ने आंसर भी दे दिया राही राज, और
अगर बात करें म्यूजिक लवर भारती, सभी लोग आ चुके हैं। यूसुफ पठान इज द राइट आंसर, वेल डन। यूसुफ पठान इज द राइट आंसर। यूसुफ पठान ने अभी हाल ही में क्या किया है, भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है? लालटेन महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? तीसरे नंबर पर भारतीय और इसके अलावा कोई नहीं हो सकता रक्षा मामले में। सो अगर बात करें किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है, और शिल्पा कुमारी जी ने आंसर दे दिया है ए, वेल डन, चाइना इज द राइट आंसर। लालटेन महोत्सव कहां मनाया गया? चाइना में, चीन में नव वर्ष के तौर पे, नव वर्ष जब उनका लोकल कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष मनाया जाता है तो वहां पे लालटेन महोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? लालटेन महोत्सव मनाया जाता है। लालटेन महोत्सव चाइना में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है शिल्पा जी, बिल्कुल सही है, सभी ने सही। म्यूजिक लवर भारती भी आ गए चाइना, बहुत बढ़िया। राही राज ने ए आंसर दिया है चाइना, लता सिंह जी ने आंसर ए दिया है चाइना। ठीक है, सो ए ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है चाइना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किसने किया? इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने, निर्मला सीतारमण ने, नरेंद्र मोदी या स्मृति ईरानी? सो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है 22, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए हम लोग बेटा, राही राज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किसने किया है? फटाफट बताइए भाई, इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किसने किया है, किसने किया है 2000? मोदी जी, लता सिंह ने सही आंसर दे दिया, मोदी जी, नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया है। और इंडिया टॉय फेयर का मुख्य उद्देश्य है आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाना। किसको बेटा? आत्मनिर्भर। अब तो हर चीज आत्मनिर्भर हो रही है भैया, हर चीज आत्मनिर्भर, अपने आप पे आप निर्भर हो जाइए, आत्मनिर्भर की बात हो रही है। और अगर बात करें तो पहला राज्य जिसने इंडिया टॉय फेयर आयोजन किया है वो है मध्य प्रदेश। कौन से राज्य ने किया? 27 तारीख को मध्य प्रदेश में इंडिया टॉय फेयर आयोजित किया गया। कहां पे किया गया बेटा? इंडिया टॉय फेयर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आगे की खबर के लिए आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के सीतामढ़ी की पहाड़ियों में जुलूल पर्वत के पास एक टीले के नीचे दबे एक बौद्ध मठ की खोज की है? सो फटाफट बताइए कि कहां पर बौद्ध मठ खोजा गया है, फटाफट बताइए। असम में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, राजस्थान में या बिहार में? बौद्ध मठ ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड टेक्सटाइल, बिल्कुल सही है। टॉय हब इज गुजरात, टॉय हब गुजरात को मनाया जा रहा है, बहुत सही मेरे शेरों। यही तो चाहिए बेटा, यही तो चाहिए, दिस इज, यही होनी चाहिए आग कि अगर एक पॉइंट निकले तो आपको उसके बारे में चार चीजें पता हो, तब तो करंट अफेयर्स है। तो अगला क्वेश्चन आ गया, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI हैज डिस्कवर्ड अ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री ब्रूड अंडर अ माउंट नियर द जुलूल माउंटेन इन सीतागढ़ी हिल्स ऑफ विच स्टेट? फटाफट आंसर दीजिए। 23 का सी आंसर दे दिया, झारखंड। पूर्णिमा जी ने 23 का सी आंसर दिया, झारखंड, बहुत बढ़िया। झारखंड में अभी एक बौद्ध मठ बहुत पुराना खोज के निकाला गया है। तो झारखंड के पास एक जगह है जिसका नाम है हजारीबाग। हजारीबाग का नाम सुना है? हजारीबाग, हजारीबाग का नाम सुना है? एक जिला है हजारीबाग। हजारीबाग जिले में पुरातत्व जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने 900 वर्ष पुराना एक बौद्ध मठ खोज निकाला है, ठीक है। अगर झारखंड की बात करें तो हेमंत सोरेन, क्या नाम है बेटा? हेमंत सोरेन साहब यहाँ के क्या है बेटा? सोरेन साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, हेमंत सोरेन साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एनोनिमस जी ने भी यस लिखा है, वेल डन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो द राइट आंसर इज 28 फरवरी और 13 फरवरी और 16 जुलाई, 21 मार्च या 15 जनवरी, फटाफट आंसर देना है। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। द्रौपदी मुर्मू, बिल्कुल सही है, द्रौपदी मुर्मू यहाँ की क्या है? राज्यपाल है, द्रौपदी मुर्मू यहाँ की राज्यपाल है। और आपको एक बात और बता दें, झारखंड राज्य जब से अलग हुआ है तब से वहां पे गरीबी यानी निर्धनता में भी कमी आई है। अभी आपने देखा होगा मल्टी डायमेंशनल जो इंडेक्स था, मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स है जो बहुआयामी गरीबी इंडेक्स जो जारी किया गया नीति आयोग के अनुसार, उसमें एक स्टेटमेंट ये भी लिखा है कि जो झारखंड राज्य है वहां पे गरीबी कम हुई है, ठीक है। तो अब आ गया है दोस्त क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल सही है, रंजन सिंह आपका स्वागत है। स्नेहा जी ने आंसर दे दिया, लता जी ने आंसर दे दिया
और राकेश शर्मा ने आंसर दे दिया, मेरे सभी बच्चे आंसर देते जा रहे हैं, वेल डन माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। सो अगर हम बात करें 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया और इसकी जो थीम थी वो क्या थी बेटा, एसटीआई का भविष्य, एसटीआई का भविष्य शिक्षा कौशल और कार्य पर प्रभाव। ठीक है, ये इसकी क्या थी बेटा, थीम थी। ठीक है, सो ये था 28 फरवरी जिसे हम किस रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को, बिल्कुल सही। ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेरे भाई, शून्यवाद, बिल्कुल सही है। ठीक है सर, मैंने सबसे पहले दिया, यस राही राज, सबसे पहले आप ही ने दिया है। रंजन सिंह ने दिया है आंसर, 28 फरवरी और राही राज, ओके, गुड, सब लोग जुड़े रहो बस बेटा और आंसर देते रहो बेटा, तभी मजा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फोटो के साथ क्वेश्चन है भैया, पहले क्वेश्चन देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट है, फोटो के साथ क्वेश्चन आ गया है। और अगर हम बात करें तो 140 मिलियन वर्ष पूर्व डायनासोर के जीवाश्म किस देश में खोजे गए हैं, फटाफट आंसर दीजिए। ब्राजील आंसर दिया है क्या? नहीं, 140 मिलियन वर्ष पूर्व यानी इतना पुराना जीवाश्म, ये देखिए लंबी गर्दन वाले डायनासोर हैं, और इनको कहां पे खोजा गया है, क्वेश्चन यही है, तो द राइट आंसर इज अर्जेंटीना। सही आंसर क्या है बेटा, अर्जेंटीना में खोजा गया है। ठीक है, वेल डन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई स्लाइड में, जो स्लाइड मुझे ऐड करनी थी या दूसरी स्लाइड ऐड हुई, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो रिवीजन ही कराना है। सिंधु क्षेत्र उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन PSLV C-51 द्वारा अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक तैनात किया गया, इस द्वारा विकसित किया गया है। तो अगर बात करें सिंधु नेत्रा उपग्रह किसके द्वारा डेवलप किया गया बेटा, डीआरडीओ के द्वारा। हाँ बिल्कुल राही राज, आंसर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज अ रिवीजन क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। धोखे से दूसरी स्लाइड एड हो गई है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज, ये अच्छी बात है कि हम लोग फटाफट खत्म करेंगे या 3 घंटा नहीं बैठेंगे। ठीक है, सो अगर बात करें सिंधु नेत्रा उपग्रह को किसने लॉन्च किया, किसने डेवलप किया है, डीआरडीओ ने, और इनके जो अधिकारी, इनका नाम क्या है, सतीश रेड्डी साहब इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, सो डीआरडीओ इज द राइट आंसर, फटाफट खींचना है, फटाफट खत्म करना है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आंसर दीजिए। भारत सरकार ने किस सूखाग्रस्त देश को हाइड्रोक्लोरोक्लोरीन की 1,00,000 गोलियां और 1,000 मीट्रिक टन चावल देने की घोषणा की है। तो हाल ही में भारत ने मेडागास्कर को 1,000 मीट्रिक टन चावल और हाइड्रो HCQ एक लाख HCQ की गोलियां भेजने का कार्यक्रम किया है। किसने बेटा, मेगागास्कर को जी सतीश रेड्डी बिल्कुल सही था। लता सिंह जी ने सी आंसर दे दिया, वेल डन। आगे देखिए, फरवरी 2021 के महीने में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तो आप सभी को हम बता दें बेटा कि अपने यहां से भारत से इस बार रविचंद्रन अश्विन को क्या किया है, चुना गया है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए। और इसी में जो रूट्स को इंग्लैंड से और केल मेयर्स को वेस्टइंडीज से चुना गया है। और 2021 जनवरी के लिए ऋषभ पंत को नॉमिनेट नहीं किया गया था, इन्हें अवार्ड दिया गया था प्लेयर ऑफ द मंथ। जनवरी के कौन है, ऋषभ पंत है। और 2021 फरवरी के लिए जो चुने गए उनका नाम है रविचंद्रन अश्विन इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, अगरतला अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले के 39वें संस्करण का विषय क्या है।
अगरतला 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 पुस्तक मेले के 39वें संस्करण का विषय क्या है? अगरतला की अगर बात करें तो अगरतला मेले के 39वें संस्करण का विषय क्या है? एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, इसका क्या है बेटा सही आंसर है, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा इसका सही आंसर है, ठीक है, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा इसका सही आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा बेटा, क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, प्लीज क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कहता है आर्कटिक आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश ने नया उपग्रह आर्किटा एम लॉन्च किया है? सो आर्कटिक के लिए आर्कटिक पे सबसे ज्यादा जो काम कर रहा है वो है रूस। कौन है बेटा? रूस, क्योंकि उसके यहां से पास में पड़ता है। तो आर्किटा एम को लॉन्च करने वाले देश का नाम है रसिया। क्या नाम है बेटा? रसिया। मिखाइल साहब यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, मिखाइल साहब यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और अगर बात करें तो व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के क्या है बेटा? व्लादिमीर पुतिन यहाँ के क्या है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और मॉस्को यहाँ की राजधानी है। और रूबल यहाँ की क्या है? करेंसी है। रूबल यहाँ की क्या है बेटा? करेंसी है। रूबल यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट फटाफट पढ़िए भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार आपके सामने आ चुका है, फटाफट क्वेश्चन नंबर चार आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर चार आपके सामने आ चुका है। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के किस संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में हर्षवर्धन जी के द्वारा किया गया? सो अगर हम बात करें ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के किस संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में हर्षवर्धन जी ने किया है? तो यह सेकंड संस्करण। कौन सा संस्करण था बेटा? सेकंड संस्करण। कौन सा संस्करण है? सेकंड संस्करण है। कौन सा संस्करण है? सेकंड संस्करण है। किसका बेटा? किसका? ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का। और इसकी जो थीम है वो नीचे लिखी हुई, अगर आप देख पा रहे हो थीम यहां लिखी है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स बायोसाइंसेस टू बायो इकोनॉमी, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स बायोसाइंसेस टू बायो इकोनॉमी, ठीक है। ये इसका क्या है बेटा? ये अगर हम बात करें तो ये इसका क्या है? ये इसकी थीम है। क्या है बेटा? थीम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्रिया सेरा वीक सम्मेलन 2021 में सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी फंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो द राइट आंसर इज मोदी। वन लाइनर के तौर पे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेरा वीक सम्मेलन 2021 में सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड किस भारतीय को प्रस्तुत किया गया है? तो वह नरेंद्र मोदी जी। किसको दिया गया है? सेरा वीक सम्मेलन 2021 में सेरा वीक अवार्ड किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। अजेंद्र बहादुर सिंह को भारतीय सेना नौसेना के किस कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजेंद्र बहादुर सिंह को ईस्टर्न नेवल कमांड का अधिकारी चुना गया है। किसका बेटा? ईस्टर्न नेवल कमांड का। बिल्कुल सही है मोदी जी। आप लोगों ने आंसर देना ही बंद कर दिया। आंसर देना मत करिए बंद बेटा, एक बार आप लोग लिखते जाओगे ना तो वो चीजें परमानेंट होती जाएंगी। घबराओ नहीं, ये वन लाइनर फटाफट खत्म हो जाएगा, इसलिए बेटा 150 से 150 क्वेश्चन है। सो फटाफट हम लोग खत्म करेंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। पूनम पूर्णिमा जी लगातार आंसर दे रही है, और लता जी बिल्कुल, और पूर्णिमा जी आंसर दे रही है। सो आप सभी आंसर दीजिए। अजेंद्र बहादुर सिंह को कहां पे ऑफिसर बनाया गया है? इसका सही आंसर है बेटा डी, कहां पे? ईस्टर्न नेवल कमांड, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कर्नाटक के किस जिले में खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई है? तो आप देख पा रहे होंगे फोटो में पीछे लिखा है कोप्पल। क्या लिखा है बेटा? कोप्पल। तो खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला कहां पे रखी गई? कर्नाटका के कोप्पला में। कहां पे रखी गई है? कोप्पला में। किस कहां पे रखी गई है? कोप्पला में, ठीक है, कोप्पला में रखी गई है। कर्नाटक के किस जिले में खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई है? कोप्पला। कहां पे रखी गई है? कोप्पला में रखी गई है, ठीक है। अगला, तरुण बजाज को किस विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तरुण बजाज हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज टू अ विच डिपार्टमेंट? द राइट आंसर इज रेवेन्यू डिपार्टमेंट। कहां पे दिया गया? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अजय भूषण पांडे साहब अभी हाल ही में क्या हो गए हैं? रिटायर हो गए हैं।
28 फरवरी 2021 को ये रिटायर हो गए हैं और इन्हीं की जगह पे ये कार्यक्रम किसको सौंपा गया है, तरुण बजाज को। किसको सौंप दिया गया है? तरुण बजाज को सौंप दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसरो ने किस देश के अमेजोनिया एक उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? साल 2021 में इसरो का पहला सैटेलाइट, जो पहला सैटेलाइट उसका नाम है, पहले तो ये समझ लो, अमेजोनिया वन। क्या नाम है बेटा? अमेजोनिया वन। और अमेजोन के जंगल ब्राजील में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? ब्राजील में। और उन्हीं की निगरानी के लिए ये अंतरिक्ष, ये उपग्रह भेजा गया अंतरिक्ष में, और उस देश का नाम है ब्राजील। क्या नाम है बेटा? ब्राजील। क्या नाम है? ब्राजील। क्या नाम है बेटा? ब्राजील। ठीक है, और इसी के साथ भगवद गीता, क्या बेटा? भगवद गीता, भगवद गीता, ठीक, भगवद गीता और नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर, तस्वीर भी कहां भेजी गई है बेटा? अंतरिक्ष में। कहां भेजी गई है? अंतरिक्ष में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, देश का पहला म्यूजिकल रियलिटी शो इंडियन प्रो म्यूजिक लीग कब शुरू हुआ? 27 फरवरी को। कल जी न्यूज पे आ रहा था इसका। इसको कौन चलाता है? जी न्यूज पे आता है। किस पे आता है बेटा? जी न्यूज पे आता है। ठीक है, जी न्यूज पे आता है। और नरेंद्र मोदी, राही राजे सही आंसर दे दिया, वेल डन। सो इंडियन प्रो म्यूजिक लीग की शुरुआत 27 फरवरी से हो गई है। इसका टेलीकास्ट जी न्यूज पे किया जा रहा है। आईपीएल के तर्ज पे इसको टेलीकास्ट किया जा रहा है। आईपीएल के तर्ज पर इसको टेलीकास्ट किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a post of principal director journal of press information bureau? यानी जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो पीआईबी जरूर पढ़ लिया करो। पीआईबी पे खबर रहती है, और इसी के जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाए गए, वो बनाए गए डॉक्टर जयदीप भटनागर। कौन बनाए गए हैं बेटा? डॉक्टर जयदीप भटनागर। कौन बनाए गए? डॉक्टर जयदीप भटनागर। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस कंप्यूटर कंपनी में पहला महासागर के प्लास्टिक अपशिष्ट से कंप्यूटर बनाया है? विच कंप्यूटर कंपनी क्रिएटेड द फर्स्ट कंप्यूटर फ्रॉम द प्लास्टिक वेस्ट ऑफ द ओशन? समुद्र में जो खराब प्लास्टिक पड़ी रहती है, उस प्लास्टिक से पहला कंप्यूटर बनाने वाला, पहला लैपटॉप बनाने वाला देश, कंपनी कौन सी बन गई है? तो द राइट आंसर इज एचपी। कौन बन गई है बेटा? एचपी। कौन बन गई है? एचपी। एचपी जो लैपटॉप कंपनी है या कंप्यूटर कंपनी है, उसने समुद्र के वेस्टेज से क्या बना दिया है बेटा? उसने समुद्र के वेस्टेज से बना दिया है क्या? उसने समुद्र के वेस्टेज से बना दिया है लैपटॉप या कंप्यूटर। लॉन्च पुस्तक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन, एक पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका नाम है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन। लेखक इस टेनिस के लेखक कौन है? ठीक है, सो इस किताब का नाम क्या है बेटा? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस की लेखक कौन है? अनन्या दत्ता। कौन है बेटा? अनन्या दत्ता। बिल्कुल सही है राही राज, और लता जी आंसर दे, पूर्णिमा जी ने सी आंसर दे दिया, बिल्कुल सही है, और लता सिंह जी ने भी सी आंसर दे दिया, अनन्या दत्ता। ठीक है, अनन्या दत्ता है। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है? वर्ल्ड डिस्क्रिमिनेशन डे। वर्ल्ड डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है 1 मार्च को। वर्ल्ड डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है 1 मार्च को। अभी कुछ देर पहले राकेश सर ने इसको अपने चैट में लिखा था कि 1 मार्च वर्ल्ड डिस्क्रिमिनेशन डे, राकेश सर ने लिखा था कुछ देर पहले 1 मार्च वर्ल्ड डिस्क्रिमिनेशन डे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया GFI के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधीर मित्तल बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं बेटा? सुधीर मित्तल बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? सुधीर मित्तल साहब बनाए गए हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो मार्च 2021 में ऑस्ट्रेलिया के अगले उपायुक्त, अगले एम्बेसडर या कमिश्नर कौन बनाए गए हैं? फटाफट बताइए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन मार्च 21? द नेम इज मनप्रीत बोरा। कौन बनाए गए हैं? मनप्रीत बोरा साहब बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? मनप्रीत बोरा साहब। मनप्रीत बोरा साहब को ऑस्ट्रेलिया में नया उच्चायुक्त बनाया गया है। ठीक है, नया उच्चायुक्त बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, एक ग्राम पंचायत एक बैंकिंग संवाददाता,
योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने कम से कम कितने बैंकिंग संवाददाता नियुक्ति की है, यानी उत्तर प्रदेश ने कितने बैंकिंग करेस्पोंडेंट्स की स्थापना या स्वीकृति अनुमति दी है कि इनको 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 बैंकिंग करेस्पोंडेंट बनाया जाएगा। स्कीम का नाम है वन ग्राम पंचायत वन बैंकिंग करेस्पोंडेंट। सो द टोटल नंबर ऑफ बीसी इज 58,000, टोटल 58,000 लोगों को बैंकिंग करेस्पोंडेंट के तौर पे नियुक्त किया जाएगा हर एक ग्राम पंचायत में। मार्च 2021 में जन औषधि दिवस समारोह का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? मार्च 2021 में जन औषधि दिवस समारोह का तीसरा संस्करण, कौन सा संस्करण बेटा, तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। कौन सा किया गया? तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। इसके बाद आ जाता है नंद कुमार सिंह चौहान का मार्च 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से थे? वो खंडवा से सांसद थे। कहां से बेटा? खंडवा से क्या थे? सांसद थे। और अगर हम बात करें तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे और मध्य प्रदेश से माने जाते हैं, ठीक है। तो खंडवा मध्य प्रदेश से सांसद थे, कोविड 19 के कारण इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, हु लॉन्च द सुगम भारत ऐप, ठीक है। सो सुगम में भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में सुगम में भारत ऐप तवर चंद गहलोत जी ने लॉन्च किया है। तवर चंद गहलोत, बिल्कुल सही है पूर्णिमा जी, खंडवा बिल्कुल सही आंसर है। और अगर बात करें तो 2021 में किसने सुगम में भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक पुस्तक लॉन्च की है? तवर चंद गहलोत जी ने लॉन्च की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? समुद्री भारत यानी अगर बात करें तो इंडिया मैरिटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। और इसके ऊपर मैंने एक आपको वीडियो भी डाला है, जिस वीडियो में थोड़ी सी आवाज की प्रॉब्लम आ गई थी, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी लाइट जाने की वजह से, लेकिन वो वीडियो मैंने बना के डाला है ब्लू इकोनॉमी के नाम से। किसके नाम से बेटा? ब्लू इकोनॉमी, इसको जरूर देखिएगा। इसमें सब कुछ मैंने बताया है इंडिया मैरिटाइम पे क्या क्या डिस्कशन हुआ है, मैरिटाइम इंडिया समिट 2021 के ऊपर आधारित है ये वीडियो, 8 मिनट का वीडियो है। ब्लू इकोनॉमी क्या है बेटा? ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। सो नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक। और देखिए राजस्थान लेक, राजस्थान सांबर झील कहां पे? राजस्थान में है। पुष्कर झील कहां पे? राजस्थान में, ठीक है। फिर आता है जम्मू कश्मीर में बुलर झील है, कौन सी है बेटा? बुलर झील जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट आ जाइए मैदान में फिर से अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट आ जाइए भाई, सभी लोग मैदान में आ जाओ। फिर से क्वेश्चन आ गया है, जबरदस्त। अब आपको आंसर नहीं दिखेंगे, दो स्लाइड गड़बड़ी से मैंने दूसरी भेज दी थी। हाल ही में राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिला दिया गया है और अब इसे संसद टीवी के नाम से जाना जाता है। तो इसी संदर्भ में बताइए कि इस चैनल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट बताइए, राजेश झा को किया गया है या श्याम किशोर सहाय को किया गया है, विभाकर रंजन को, रवि कपूर को या विनोद कौल को, किसको किया गया है? अमित सिंह भी आ गए हैं और इन्होंने डी आंसर दे दिया, रवि कपूर, बिल्कुल सही आंसर है, डी रवि कपूर इज द राइट आंसर, डी। पूर्णिमा जी ने भी डी आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। आ जाओ मैदान में भाई, सभी लोग आ जाओ, जो लोग आंसर नहीं दे रहे थे, रुक गए थे कि सर आंसर तो आ ही रहा है, उन्हीं के लिए ये खबर है, आ जाइए, अब आपको आंसर देना आसान हो जाएगा, ठीक है। सो अगर बात करें तो मैं जरा अपना फोन अपने सामने रख लूं जिससे मैं थोड़ी स्पीड पकड़ पाऊं। राही राज ने भी आंसर रवि कपूर दे दिया, एनोनिमस जी ने भी आंसर डी रवि कपूर दे दिया। राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मिला दिया गया और अब इसे संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। नए चैनल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त आईएएस रवि कपूर को नियुक्त किया गया है। लोकसभा टीवी के बारे में प्रसारण क्षेत्र दुनिया भर में और मुख्यालय इसका कहां पे बेटा? न्यू दिल्ली में। कहां पे है मुख्यालय? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस राज्य ने अपने गृह हवाई अड्डे से अपनी पहली एयर कार्गो सेवा शुरू कर दी है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपने गृह हवाई अड्डे से पहली कार्गो सेवा शुरू कर दी है और उस राज्य का नाम आपको बताना है? फटाफट आंसर दीजिए भाई, फटाफट आंसर दीजिए। फटाफट आंसर दीजिए भाई, फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए।
पूर्णिमा जी नया सही है, डी अमित सिंह ने पहला आंसर दिया है और आंसर राही राज का भी आ गया है, ए ए इज द नागालैंड। नागालैंड ने भी हाल ही में अपने यहाँ पे लोकल कार्गो सेवा शुरू कर दी है। नागालैंड में एक जगह है दीमापुर, कौन सी जगह बेटा, दीमापुर में एक हवाई अड्डा है और यहां से पहली कार्गो सेवा शुरू कर दी है नागालैंड ने, ठीक है। और इसमें जो हेल्प करेगा वो इंडियन एयर इंडिया और इंडिगो, एयर इंडिया और इंडिगो के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा, बिल्कुल सही है। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, क्या है बेटा, कोहिमा, क्या है, कोहिमा, कोहिमा यहाँ की राजधानी है। और नेफियो रियो, नेफियो, नेफियो रियो, रियो साहब यहाँ के क्या है बेटा, रियो, रियो साहब यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और आर एन रवि, आर एन रवि साहब यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। सो नागालैंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन आ चुका है ऋतु मुखर्जी, ए आंसर बिल्कुल सही है राही राज, ए आंसर, वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। विनेश फोगट ने हाल ही में आयोजित 24वीं उत्कृष्ट यूनानी पहलवानों और कोचों के मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने के लिए वेनेसा, वेनेसा कलांजिस्काया, वेनेसा कलांजिस्काया को हराया है। वेनेसा कलांजिस्काया किस देश की खिलाड़ी हैं, आपको बताना है किस देश की खिलाड़ी हैं, फटाफट बताना है, क्या वो बेलारूस की खिलाड़ी हैं या वो रसिया की खिलाड़ी हैं या मालदीव की या लिथुआनिया की या पोलैंड की, कहां की खिलाड़ी हैं। पोलैंड, एनोनिमस जी ने आंसर दिया है, ये भाई साहब 2017 की वर्ल्ड चैंपियन भी है, 2017 की चैंपियन है, और ये बेलारूस से आती है, कहां से आती है, बेलारूस, कहां से आती है, बेलारूस। So, अगर बात करें वेनेसा कलांजिस्काया कहां की खिलाड़ी है, बेलारूस की है, 2017 की क्या है बेटा, वर्ल्ड चैंपियन है। और अगर बेलारूस की राजधानी की बात करें तो मिंस्क, क्या है बेटा, मिंस्क यहां की राजधानी है, क्या है, मिंस्क यहां की राजधानी है। राष्ट्रपति का नाम है अलेक्जेंडर, क्या नाम है बेटा, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर यहां के क्या है, राष्ट्रपति है। और यहां की करेंसी भी क्या है बेटा, रूबल, जो रसिया की करेंसी रूबल है, ऐसे यहां की भी करेंसी क्या है, रूबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट आंसर दीजिए भाई, फटाफट आंसर दीजिए। हीरो इंडियन विमेन लीग, हीरो इंडियन विमेन लीग 2021 संस्करण भारत में शीर्ष डिवीजन महिलाओं का लीग का पांचवा संस्करण होगा, उसी के संदर्भ में बताइए कौन सा राज्य इसका आयोजन करेगा, यानी मेजबानी करेगा, इंडियन वुमेन लीग का आयोजन कौन करने जा रहा है, कौन सा राज्य करने जा रहा है। अमित सिंह जी ने आंसर दे दिया डी, उड़ीसा आंसर दिया है अमित सिंह सर ने, अमित सिंह सर ने आंसर दे दिया डी, यानी उड़ीसा इज द राइट आंसर, उड़ीसा बिल्कुल सही है बेटा। और अगर हम बात करें उड़ीसा में ही आयोजन किया जाएगा, अगर हम उड़ीसा की बात करें नवीन पटनायक साहब यहाँ के क्या है, नवीन पटनायक साहब यहाँ के क्या है, फटाफट बताइए, मुख्यमंत्री है, मंदिरों का शहर कौन सा कहलाता है, भुवनेश्वर कहलाता है। हीराकुंड डैम कहां पे है बेटा, संबलपुर में। हीराकुंड डैम किस नदी के किनारे बसा है, हीराकुंड डैम बना है महानदी किनारे संबलपुर में, ठीक है। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIIF ही अप्रूवल देता है, सो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में बताएं तो प्रफुल्ल पटेल इसके क्या है, अध्यक्ष हैं, प्रफुल्ल पटेल साहब इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपसे क्वेश्चन पूछा गया नाग रिवर के बारे में, किसके बारे में, नाग रिवर में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा, उसको हटाने के बारे में दो स्टेटमेंट दिए हैं, इट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय द नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट, इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन लेवल इन द नाग रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट अगर देखे जाए तो सही है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है बेटा, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, महानदी के किनारे, बिल्कुल सही है, महानदी के किनारे संबलपुर डिस्ट्रिक्ट बसा है, ठीक है। सो क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नाग रिवर पॉल्यूशन अबेटमेंट प्रोजेक्ट, इट, पहला पॉइंट, इट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय द नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट, इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन लेवल इन द नाग रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी उसकी सहायक नदियां और उस नदिया में, ये नदी कहां है, नागपुर में, ठीक है। सो अगर बात करें तो एक और दो, दोनों ही आंसर इसके सही है बेटा, इसका सही है सी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 के लिए किस अमेरिकी टीवी श्रृंखला ने अधिकतम पुरस्कार जीते हैं, फटाफट आंसर दीजिए भाई, फटाफट आंसर दीजिए, ग्लोबल पुरस्कार, ग्लोबल ग्लोब पुरस्कार की बात हो रही है यहां पे, ग्लोबल ग्लोब पुरस्कार की बात हो रही, और ग्लोबल ग्लोब पुरस्कार में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस 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 अमेरिकी टीवी श्रृंखला ने सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते हैं, तो उसका नाम है द क्राउन, क्या नाम है बेटा,
द क्राउन ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं, द क्राउन ने किसने जीते हैं बेटा, द क्राउन ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं, ठीक है। अब देखो बेस्ट टीवी सीरीज का ड्रामा का जो पुरस्कार मिला है वो द क्राउन को मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो भी द क्राउन को मिला है, एम्मा कोरिन को, किसको मिला है, एम्मा कोरिन को, बेस्ट एक्टर एक्टर वो भी द क्राउन को ही मिला है, जोस अकोनारो को, किसको मिला है, जोस अकोनोर को मिला है, ठीक है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस द क्राउन को मिला है, गिलियन एंडरसन को। तो पांच अवार्ड गए हैं बेटा, पांच अवार्ड द क्राउन की श्रेणी में गए हैं गोल्डन ग्लोब में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग कहां आयोजित किया गया, 3 से 27 तारीख में एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग कहां आयोजित किया गया है, फटाफट एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग कहां पे आयोजित किया गया है, फटाफट आंसर दीजिए भाई, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग कहां आयोजित किया गया है, बिल्कुल सही है। अगला राहिराज, अगले क्वेश्चन का आंसर देना है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग कहां आयोजित किया गया है, भारतीय वायुसेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और इसे पर्सियन गोल्फ, कहां पे बेटा, पर्सियन गोल्फ रीजन में आयोजित किया गया है, कहां पे, बी इज द राइट आंसर, एनोनिमस ने सही आंसर दे दिया है, ठीक है, सही आंसर दे दिया है बी, बी इज द राइट आंसर। और बात करें तो साउथ चाइना सी नहीं इसका आंसर है, पैसिफिक रीजन इसका आंसर नहीं है, इंडियन ओशन रीजन इसका आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है पर्सियन गल्फ रीजन में 3 से 27 मार्च के बीच में इसको आयोजित किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ आईबा चैंपियन और अनुभवी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर पर्सन ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियन एंड वेटरन्स कमिटी, किसको बनाया गया इसका अध्यक्ष, और यहां पे फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 57, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA चैंपियन और अनुभवी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, एनोनिमस जी ने सबसे पहले आंसर दे दिया मैरी कॉम, क्या है बेटा सही आंसर, मैरी कॉम की अगर बात करें तो मैरी कॉम को इसका अध्यक्ष चुना गया है। और अगर अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के बारे में बात करें तो अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय लॉन्जेन में है, कहां पे बेटा, रितु मुखर्जी ने भी सही आंसर दे दिया, राही राज ने भी सही आंसर दिया, अमित सर ने भी सही आंसर, वेल डन। सो इसका जो बेटा आईबा का हेडक्वार्टर कहां पे बेटा, स्विट्जरलैंड में है और ये कहां पे है बेटा, लॉजेन में है और इसके जो अध्यक्ष है वो रसियन है, कौन है बेटा, रूस से इसके अध्यक्ष आते हैं, उनका नाम क्या है बेटा, उमर क्रेमिलोब इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सेनकाकू द्वीप चीन और किसके बीच में विवादित द्वीप है, फटाफट आंसर दीजिए भाई, ठीक है, आगे बढ़िए, सेनकाकू द्वीप चीन और किसके बीच में विवादित द्वीप है, तो सेनकाकू किस किसके बीच में विवाद का रीजन है, फटाफट आंसर दीजिए, और जापान, और अमित सिंह ने भी आंसर दे दिया है जापान, बहुत बढ़िया, तो द राइट आंसर इज जापान, क्या है बेटा, सही आंसर है जापान, क्या है सही आंसर, जापान, जापान के पूर्वी चीन सागर में विवादित सेनकाकू द्वीप पर चीन के दावे की आलोचना को खारिज किया गया, इसलिए खबर चर्चा में आ गई है। ओतुसुरी मिनामी कोजिमा और किता कोजिमा द्वीपों का एक समूह जिसे जापान में सेनकाकू कहा जाता है और चीन में से डियाओऊ कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 50,000 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 101 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, बहुत ज्यादा फेमस हुआ है ये क्वेश्चन, बिल्कुल सही एनोनिमस, चाइना जापान ताइवान के बीच में विवाद का रीजन है ये। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि किस राज्य ने 50,000 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए स्कॉलरशिप के तौर पे 101 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, बहुत फेमस हुआ है ये क्वेश्चन, और अमित सिंह जी ने सबसे पहले उड़ीसा आंसर दे दिया है, एनोनिमस जी ने भी उड़ीसा आंसर दे दिया है और पूर्णिमा तिवारी ने भी उड़ीसा आंसर दे दिया, वेल डन द टाइम्स ऑफ इंडिया से ये खबर ली गई थी।
और अगर हम बात करें उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा के बारे में बात करें तो भुवनेश्वर राजधानी है, प्रतीक क्या है उड़ीसा, गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं, गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल और यहाँ पे कुछ योजनाएं चला रही हैं, सुजल योजना, गरिमा योजना, सुजल योजना, सुजल योजना, गरिमा योजना और बलराम योजना, ये तीन योजना है बेटा जो यहां पे चलाई जा रही है। बलराम योजना, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, सुजल योजना, गरिमा योजना और बलराम योजना, ये तीन योजनाएं चलाई जा रही है। कहां पे ये चलाई जा रही है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाल ही में किस राज्य ने निजी क्षेत्र में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है, यानी प्राइवेट नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में। घनश्याम दुबे जी आ गए हैं, वेलकम घनश्याम सर, बहुत दिन बाद। भाई साहब लगातार आया करिए, क्लास का टाइमिंग में बता देता हूं आपको, सिर्फ चार टाइम पे आप मुझे ढूंढ लिया करिए। पहला, पहले YouTube का टाइमिंग सुन लो सब लोग, भाई YouTube का टाइमिंग सुन लीजिए आप सभी लोग। हम अभी भी मतलब 15-20 दिन हो गए, अभी भी हम 10 ही लोगों के साथ हैं, तो आप लोग प्लीज आ जाया करो सब इकट्ठा होके। 8 बजे सुबेरे करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स सुबह 8 बजे चलेगा। 5 बजे डिफरेंट टाइप की क्लासेस चलेंगी, जैसे स्टैटिक, बैंकिंग, इकोनॉमी, ये सब यूट्यूब पे चलेगा, ठीक है। और स्पेशल क्लास के लिए एक ही टाइम है सबसे इंपॉर्टेंट, वो होता है 7 बजे PM, 7 PM पे मैं डेली रहता हूँ यूट्यूब पे, लेकिन 12 PM दोपहर में 12 बजे भी क्लास ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग, जो भी टॉपिक होते हैं बैंकिंग के उनके कंसेप्ट पढ़ाता हूँ। तो ये चार टाइमिंग है जहां पे मैं आपके लिए उपलब्ध रहता हूँ। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो बेटा आप लोग भी अवेलेबल रहो, आपके अवेलेबल रहने से हमें भी जोश मिलता है। और सभी ने आंसर हरियाणा दे दिया है, सभी ने आंसर हरियाणा दे दिया, अमित सिंह ने आंसर हरियाणा, एनोनिमस जी ने, राही राज ने, घनश्याम जी ने, पूर्णिमा जी ने, सभी ने आंसर दे दिया है डी, हरियाणा इज द राइट आंसर। एक बार शेयर और लाइक ठोक दो बेटा, एक बार शेयर और लाइक ठोक दो, जरा लोगों को बढ़ाओ तो मेरे भाई, बढ़ा तो दो, अपने दोस्तों को बता तो दो कि हाँ यार क्लास चल रही, सटीक करंट अफेयर्स है। अब बताओ, ऐसे ही तो पेपर में आता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी की बात की है, हरियाणा, आपने आंसर लगा दिया। क्या लगा दिया आंसर? हरियाणा, आपने आंसर लगा दिया, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ के राज्यपाल बताएंगे कोई, हरियाणा के राज्यपाल का नाम क्या है, कोई बता पाएगा? राज्यपाल ऑफ हरियाणा, राज्यपाल का नाम, हरियाणा के राज्यपाल का नाम। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। घनश्याम सर आपका वेलकम है, स्वागत है, और आपसे क्वेश्चन है, आप सभी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, राज्यपाल, हरियाणा के राज्यपाल का नाम कोई बता पाएगा? एनी वन हु प्रोवाइड द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ, गवर्नर ऑफ हाल ही में, फटाफट बताइए, गवर्नर ऑफ हरियाणा, गवर्नर ऑफ हरियाणा कौन है, फटाफट बताइए भाई, गवर्नर ऑफ हरियाणा। किसी ने अभी नहीं लिखा है, बिल्कुल सत्यदेव मलिक। ओ सत्यदेव मलिक नहीं है बेटा, सत्यदेव मलिक नहीं है बेटा, सत्यदेव नारायण आर्य हैं, सत्यदेव नारायण आर्य हैं, ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य हैं एनोनिमस जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है। विश्व वन्य जीव दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? यस 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 यस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, फटाफट बताइए भाई, वर्ल्ड विश्व वन्य जीव दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? और अगले हफ्ते से ये जो वीकली क्लास है, ये वीकली क्लास ऐप पे होगी, ये सूचना आपको हम दे दें। नेक्स्ट संडे से ये जो क्लास है बेटा, ये जो कौन सी क्लास है, जो हमारी ये क्लास है जो वीकली करंट अफेयर संडे को यूट्यूब पे होती है, ये काय पे होगी बेटा, ये क्लास होगी ऐप पर। किस पर होगी बेटा? ऐप पर, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 3rd March, बिल्कुल सही है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, एज सेलिब्रेटेड ऑन 3rd March, 3rd March को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है 3 मार्च को। और कुंवर आदित्य सिंह आपका भी स्वागत है, कुंवर आदित्य सिंह जी भी आ गए हैं, और आते ही आते इन्होंने जबरदस्त, रितु जी ने आंसर दे दिया, घनश्याम जी ने, सभी ने आंसर दे दिया है, और अमित सिंह जी ने भी आंसर दे दिया है, राही राज ने आंसर दिया है डी, 3 अप्रैल, 3 मार्च है बेटा। और टोटल कितना क्वेश्चन होगा सर? बस खत्म होने वाला है भाई, खत्म होने वाला है, बस खत्म होने वाला है, मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन और होंगे, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट आंसर दीजिए भाई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी के रूप में मट्टम वेंकट राव को नियुक्त किया गया है। मट्टम वेंकट राव को नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड हियरिंग डे ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 3 मार्च। और आंसर दे दिया अमित सिंह ने, एनोनिमस जी ने, पूर्णिमा जी ने। पूर्णिमा जी भी जबरदस्त टक्कर दे रही है। वेल डन, वेल डन, वेल डन। मट्टम वेंकट राव पहले केनरा बैंक में थे और अब इनको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बना दिया गया है एमडी एंड सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मेडागास्कर के लिए भारत 1000 मीट्रिक टन चावल और क्या भेज रहा है बेटा? 1 लाख गोलियां भेज रहा है HCQ की। ठीक है, सो अब ये पूछा इसी से रिलेटेड है कि अब बताइए कौन से जहाज से जा रहा है, उस जहाज का नाम क्या है। फटाफट बताइए भाई उस जहाज का नाम क्या है। और सभी ने आंसर देना शुरू कर दिया है। INS जलस्व है बेटा, INS जलस्व बिल्कुल सही है। और अगर बात करें INS जलस्व बिल्कुल सही है, इज द राइट आंसर। सभी ने सही आंसर दिया, INS जलस्व के थ्रू भेजा जा रहा है। INS जलस्व नौसेना का जो जहाज है जिसका नाम है जलस्व, यानी जल में दौड़ने वाला घोड़ा, जल प्लस अश्व जलस्व। ठीक है, सो अगर बात करें 3 मार्च को रवाना हुआ है। भारतीय इसकी टीम ने किस देश को हराकर काहिरा में ISSF शॉटगन विश्व कप जीता है? फटाफट बताइए शॉटगन विश्व कप जीतने वाला विश्व कप 2021 में रजत पदक भारत ने जीता है, तो रजत पदक किसको हरा के जीता है? फटाफट बताइए। रसिया, कजाकिस्तान, यस, मिशन सागर के तहत भेजा गया है। बी, कजाकिस्तान इज द राइट आंसर बेटा। कजाकिस्तान राइट आंसर है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान और यहां की मुद्रा कजाकिस्तान की मुद्रा। फटाफट बताइए कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? मुद्रा करेंसी ऑफ कजाकिस्तान आपके लिए होमवर्क है। करेंसी क्या है ये आपको बताना है, मैं हर बार बताता हूं, ठीक है, हर बार। और कासिम जोमार्ट टोकायब यहां के राष्ट्रपति है। करेंसी आपको बतानी है, कजाकिस्तान की करेंसी क्या है, चैट बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चैट बॉक्स में कजाकिस्तानी करेंसी बतानी है, टैंग, बिल्कुल सही है, टैंग इज द राइट आंसर। घनश्याम दुबे ने टैंग कहा है और एनोनिमस जी ने सोम कहा है। ठीक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच में कृषि सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमित सिंह ने राइट आके आते ही आते अपना आंसर दे दिया, इन्होंने फिजी आंसर दे दिया है। कौन सा आंसर दे दिया? फिजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ये अमित सिंह सर ने आंसर दे दिया है फिजी। क्या आंसर दे दिया? फिजी। सो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 मार्च 2021 को कृषि और संबंध क्षेत्रों में सहयोग के लिए फिजी के साथ समझौता किया है। वेल डन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लॉन्च पुस्तक स्कैमेस्टर बॉर्न एवरी मिनट इंडिया स्कैमेस्टर बॉर्न एवरी मिनट किताब के लेखक कौन है या लेखिका कौन है आपको यह बताना है। फटाफट लेखिका का नाम बता दीजिए, क्या नाम है उनका बेटा, उनका नाम क्या है? मेघना कॉल है, स्त्रिग्धा पूनम है, जैकलीन राव है या नन ऑफ दीस है? फटाफट। कजाकिस्तान की करेंसी सोम है, बिल्कुल सही है, सोम है। ए आंसर दिया है मेघना कॉल इसका आंसर नहीं है। एनोनिमस जी ने आंसर सही दे दिया, पूनम, स्त्रिग्धा पूनम इनका सही आंसर है। स्त्रिग्धा पूनम ने ये किताब लिखी, इंडिया स्कैमेस्टर बॉर्न एवरी मिनट, भारत में हर मिनट में एक स्कैमेस्टर पैदा होता है, बिल्कुल सही है, वो किसी भी क्षेत्र में कर सकता है। ठीक है, तो स्त्रिग्धा पूनम इसकी लेखिका है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस बैंक ने 70 क्वेश्चन होने हैं बस, ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। किस बैंक ने पीएम केयर्स फंड में 11 करोड़ रुपए का दान किया है?
इनमें से कौन सा बैंक है जिसने पीएम केयर फंड में 11 करोड़ रुपए का दान किया है? फटाफट आंसर दीजिए भाई, 11 करोड़ का दान देने वाला कौन सा बैंक है पीएम केयर फंड में? ठीक है, बिल्कुल सही, पूर्णिमा तिवारी जी ने भी लिखा है, पूनम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, किस बैंक ने पीएम केयर फंड में 11 करोड़ रुपए दान किया और ये COVID-19 की सेकेंड डोज के लिए सहायता है? और सही आंसर आ गया है, सबसे पहले एनोनिमस जी ने दे दिया है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर घनश्याम जी ने, राही राज जी ने, और सभी ने आंसर दे दिया, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कितने घंटे में 25.54 किलोमीटर सड़क बना के रिकॉर्ड बना दिया है? भाई साहब रिकॉर्ड बना दिया है, पहला 23 घंटे आंसर दे दिया है। अच्छा SBI चल रहा, अभी तो SBI का ही चल रहा है। अगला क्वेश्चन, NHAI ने कितने घंटों में 25.54 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? 23 घंटे में, 18 घंटे में, 32 घंटे में, कितने घंटे में बना दी है? एनोनिमस जी ने 18 घंटे आंसर दे दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन पे इन्होंने डिस्कस किया था, इन्होंने इस क्वेश्चन पे डिस्कस किया था, और द राइट आंसर इज, द राइट आंसर इज 18 आवर्स, 18 आवर्स में इन्होंने 25.54 किलोमीटर सड़क तैयार कर दी है। बिल्कुल सही, रितु मुखर्जी, राही राज, सभी ने सही आंसर दिया, वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया। पूनम तिवारी ने भी आंसर दिया है, ओके, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को बेच रहा है? भारत, इंडिया है साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू सप्लाई ब्रह्मोस मिसाइल एंड अदर डिफेंस इक्विपमेंट? भारत ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, बिल्कुल सही था घनश्याम जी। अगला क्वेश्चन, भारत ब्रह्मोस मिसाइल किस देश के साथ एग्रीमेंट किया है ब्रह्मोस मिसाइल के लिए? फटाफट आंसर दीजिए भाई, फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। और अमित जी ने ई आंसर दे दिया है, अमित जी ने ई आंसर, फिलीपींस, राही राज ने फिलीपींस आंसर दे दिया है, और घनश्याम जी ने भी फिलीपींस आंसर दे दिया है, और पूर्णिमा जी ने भी फिलीपींस। एनोनिमस कहां चले गए मेरे भाई, आंसर फिलीपींस इज द राइट आंसर, फिलीपींस बिल्कुल सही आंसर है। और अगर बात करें तो उनके जो रक्षा सचिव हैं, कहां के फिलीपींस के, उनका नाम है डेल्फिन, डेल्फिन लॉरेंजाना, लॉरेंजाना है, उन्होंने इसकी घोषणा की है, ठीक है। अगर हम फिलीपींस की बात करें तो राष्ट्रपति का नाम है रोड्रिगो डुटोर्टे ट्रेडिंग, क्या नाम है, रोड्रिगो डुटोर्टे ट्रेडिंग, और राजधानी का नाम है मनीला, और यहाँ की मुद्रा का नाम है पैसो, क्या नाम है बेटा पैसो, क्या नाम है पैसो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट आंसर दीजिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अंतरिम महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CRPF का DG किसे नियुक्त किया गया, फटाफट आंसर दीजिए, CRPF का DG किसे नियुक्त किया गया है, CRPF का DG किसे नियुक्त किया गया है, फटाफट बताइए, CRPF का DG किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the interim director general of Central Police Force? Central Police Force, आंसर डी आ गया, कुलदीप सिंह, आंसर डी दे दिया है अमित सिंह ने, कुलदीप सिंह, बिल्कुल सही आंसर है, कुलदीप सिंह, बिल्कुल सही है। घनश्याम जी ने भी कुलदीप सिंह, एनोनिमस जी ने भी कुलदीप सिंह, और पूर्णिमा तिवारी जी ने भी कुलदीप सिंह, सो कुलदीप सिंह इज द राइट आंसर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के अंतरिम महानिदेशक DG के रूप में कुलदीप सिंह की नियुक्ति की गई है, ठीक है, किसकी, कुलदीप सिंह की नियुक्ति की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने युगांडा अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल खिताब जीता है, फटाफट बताइए, महिला एकल खिताब इसमें से किसने जीता है? और आपको बता दें अभी हाल ही में एक और ओपन चल रहा है बैडमिंटन का, जिसमें सिंधु जी फाइनल में पहुंच चुकी हैं, और यहां पे आंसर देना है 27 CRPF रेजिंग डे, ओके 27 जुलाई रेजिंग डे, ओके CRPF रेजिंग डे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मालविका इसका आंसर होगा या क्या होगा, फटाफट, मालविका बंसोड, द राइट आंसर इज मालविका बंसोड, ये सब चैट बॉक्स में आंसर आ चुके हैं, वेल डन, बहुत तेजी से, बहुत बढ़िया सभी लोग आंसर दे रहे हैं, और यहाँ पे जो आंसर आ गया वो मालविका आ गया, सी इज द राइट आंसर। भारत के वरुण कपूर और मालविका बंसोड ने कंपाला में युगांडा
में 2021 में इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता है। सो वरुण कपूर ने जीता है पुरुष एकल का खिताब और मालविका बंसोड़ ने जीता है महिला एकल का अवार्ड। और राजधानी युगांडा की राजधानी कंपाला है और यहाँ की करेंसी सिलिंग है और योवेरी मुसेवेनी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह, ये क्वेश्चन देखिए राजेश सर राकेश सर अगर हैं तो आप देख लीजिए, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि जापान इंडिया में पूर्वी पोर्ट डेवलप कर रहा है, वो क्वेश्चन आ चुका है। बिल्कुल सही है, श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। सो श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के डेवलपमेंट के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। द राइट आंसर इज इंडिया। बी इज द राइट आंसर, वेल डन, बहुत बढ़िया, इंडिया इसका सही आंसर है। और इस पोर्ट को भारत किसके साथ, जापान के साथ मिलकर डेवलप करेगा। सो सभी ने सही आंसर दिया, इंडिया जापान बैक इन अनदर श्रीलंका पोर्ट प्रोजेक्ट। देखिए द हिंदू में खबर थी, किसमें खबर थी, द हिंदू में खबर है इंडिया जापान बैक इन अनदर श्रीलंकन पोर्ट प्रोजेक्ट, यानी श्रीलंका के अगले पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए इंडिया और जापान फिर से साथ में आ गए हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें तो इसी में ये पोर्ट 35 साल के लिए भारत के पास रहेगा, काय के लिए, पट्टे पर, 35 साल के लिए पट्टे पर ये भारत के पास रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, घरों की पहचान चेल की नाम, ये योजना किस राज्य ने शुरू की है, घरों की पहचान चेल की नाम, यानी बेटी का नाम घर की पहचान, इस योजना को किसने, घनश्याम सर बिल्कुल सही लिखा है, इंडिया एंड जापान इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। और अगले क्वेश्चन पे आ गए, भारत के किस राज्य ने घरों की पहचान चेल की नाम, बेटी का नाम घर की पहचान कार्यक्रम और विकास योजनाओं का शुभारंभ किया है, फटाफट आंसर दीजिए, क्या वो हिमाचल प्रदेश है, क्या झारखंड है, क्या छत्तीसगढ़ है, क्या कर्नाटक या उत्तराखंड। सो द राइट आंसर, 35 ईयर के लिए इंडिया के पास रहेगा, यस बिल्कुल सही है पूर्णिमा जी, बिल्कुल सही आपने कहा है। और अमित सिंह जी ने पहला आंसर दे दिया हिमाचल आंसर दे दिया है, तो टोपी के ऊपर चलेगा, ये वाली टोपी तो उत्तराखंड में भी लगाई जाती है, फटाफट बताइए सही आंसर है ई उत्तराखंड है ना। घरों की पहचान चेल की नाम स्कीम लॉन्च बाय द उत्तराखंड सीएम मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत इन नैनीताल विद द कॉस्ट ऑफ 42 करोड़ के साथ नैनीताल से ये योजना का शुभारंभ किया गया और इसको आत्मनिर्भर के लिए महिला समूह को स्वरोजगार को, जो महिलाएं एनजीओ ग्रुप होते हैं इनको स्वरोजगार के लिए इस पे काम किया जाएगा, स्वरोजगार के लिए, जिससे आत्मनिर्भर की बात हो जाए, आत्मनिर्भर योजना के तहत। ठीक है, और अगर बात करें ये सही चलेगा तो पूरे राज्य में इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा इस स्कीम को। ठीक है, आगे बढ़े उत्तराखंड के बारे में चार पांच बातें हम आपको बता दें। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से भयानक बाढ़ आई, तो अभी हाल ही में ग्लेशियर टूटा, कहां टूटा, चमोली में। ठीक है, उत्तराखंड में दिखेंगे मध्य प्रदेश के व्हाइट टाइगर, यानी उत्तराखंड में मध्य प्रदेश से व्हाइट टाइगर लाए जाएंगे और ये कहां पे रखा जाएगा, सितावनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व में। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, यानी पति, अगर आप मान लो कोई व्यक्ति एक्स है तो उसकी पत्नी का नाम वाई है, वाई पत्नी का नाम है, तो एक्स के जो पिता थे मिस्टर जेड, जेड की संपत्ति में जितना अधिकार एक्स का होगा उतना ही वाई का होगा, ऐसा विधेयक पास करने वाला राज्य उत्तराखंड बन गया है। और हरिद्वार में अभी हाल ही में कुंभ मेला आयोजित किया जा रहा है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मैं बता चुका हूं, राज्यपाल का नाम बेबी रानी मौर्य है। क्या है बेटा नाम, बेबी रानी मौर्य, बिल्कुल चमोली सही है बेटा, यूके बिल्कुल सही है, बहुत सही आंसर दिया आप सभी ने। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा हारून ग्लोबल रिच लिस्ट में, ये 3 दिन पुराना क्वेश्चन है, ये पॉइंट है 2 दिन पुराना, हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में सबसे शीर्ष पे अरबपति कौन है, तो आंसर है एलन मस्क। कौन है बेटा, एलन मस्क को रखा गया यहाँ पे सबसे ऊपर, लेकिन कल सुना है कि एलन मस्क के शेयर्स की वैल्यू गिर गई है, तो थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, लेकिन द राइट आंसर इज बी एलन मस्क अकॉर्डिंग टू हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेड इन इंडिया देवस्थल फॉल्ट ऑब्जेक्ट
स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा को देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप पर स्थापित किया गया है। उसी संदर्भ में बताइए टेलीस्कोप किस राज्य में है, बताइए फटाफट बताइए टेलीस्कोप किस राज्य में है, ये आपको बताना है, फटाफट बताना है। द मेड इन इंडिया एवरेस्ट देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा हैज बीन कमीशन्ड ऑन देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप इन कॉन्टेस्ट टू द सेम द टेलीस्कोप इज लोकेटेड इन विच स्टेट। और द राइट आंसर आ गया यूके, यूके इज द राइट आंसर। एनोनिमस जी ने सबसे पहले सही आंसर दे दिया यूके, क्या आंसर दे दिया बेटा यूके इज द राइट आंसर, उत्तराखंड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। और घनश्याम जी ने पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था टेस्ला स्पेस एक्स एलन मस्क, वेल डन, बहुत बढ़िया। और ऋतु मुखर्जी ने भी डी आंसर दे दिया है, राहुल राही राज ने भी डी आंसर दे दिया, घनश्याम जी ने भी डी, और पूर्णिमा तिवारी ने भी डी आंसर दे दिया। सो द राइट आंसर इज डी, डी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त बल्लेबाजी आप लोग कर रहे हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, राजेंद्र बहादुर सिंह वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड के हैं, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, चलिए आंसर दीजिए फटाफट, फटाफट आंसर दीजिए। पूर्वी नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर किसको बनाया गया, राजेंद्र बहादुर सिंह को, ये मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, ये पढ़ा चुका हूं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी राज्य सरकार भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में 3 मॉडल गांव का विकास करेगी, कौन सी राज्य सरकार भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में 3 मॉडल गांव का विकास करेगी। जैसे चाइना डेवलप करता जा रहा अपने यहाँ, वैसे ही हम लोग भी डेवलप करेंगे। और अमित सिंह, एनोनिमस जी, पूर्णिमा जी ने सही आंसर दे दिया, अरुणाचल प्रदेश, क्या आंसर दे दिया है, अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है बेटा, ईटानगर है। क्या है, मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू, क्या नाम है, पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश के, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, 2020 में रहने के आसानी वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर सबसे ऊपर है, ईज ऑफ लिविंग 2020 में कौन सा शहर है 1 लाख से ऊपर जनसंख्या वाला, 1 लाख से ऊपर जनसंख्या वाला शहर है जो रहने के मामले में सबसे ऊपर है। सभी ने हाँ ठीक है, इसके बाद वाला आंसर दीजिए मेरे भाई सभी लोग। विच सिटी टॉप्ड द लिस्ट ऑफ सिटीज इन ईज ऑफ लिविंग इन 2020, सभी ने बी आंसर दे दिया, बेंगलुरु, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं जब करते हैं तब। अमित सिंह ने सही आंसर, एनोनिमस जी ने सही आंसर, घनश्याम ने सही आंसर और राही राज ने सही आंसर, सभी ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है। ईज ऑफ लिविंग के मामले में बेंगलुरु इज द राइट आंसर। सो 1 लाख या उससे ऊपर की जनसंख्या के मामले में बेंगलुरु है, और 1 लाख से कम, 1 लाख से कम की जनसंख्या, से कम की जनसंख्या के मामले में शिमला है। कौन सा है बेटा, शिमला है, कौन सा है, शिमला। तो ये दोनों ही लिखे हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, सामने आपके लगी हुई है, अगर आप देख पा रहे हो। बेंगलुरु टॉप लिस्ट ऑफ सिटीज ऑफ ईज ऑफ लिविंग, शिमला बेस्ट अमंग द स्मॉलेस्ट सिटी। सो स्मॉल सिटीज में शिमला बेस्ट है, और बड़े शहरों में कौन है नंबर एक पे बेटा, नंबर एक पे कौन है, बेंगलुरु है। नंबर दो पे कौन है बेटा, पुणे है। नंबर तीन पे अहमदाबाद है। नंबर चार पे चेन्नई है, बड़े शहरों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ISL इंडियन सुपर लीग फुटबॉल विजेता कौन है बेटा, ISL 2020-21 किसने जीता है, फटाफट आंसर दीजिए। लेस देन 1 मिलियन शिमला, बिल्कुल सही है घनश्याम सर, राही राज ने भी शिमला लिखा है, वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता कौन सी टीम है, फटाफट आंसर दीजिए। FC गोवा, मुंबई सिटी FC, केरला ब्लास्टर्स FC या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC या बेंगलुरु FC, फटाफट आंसर दीजिए। ISL, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ISL का बी आंसर आ गया, मुंबई सिटी FC। ISL 2020-21 जीतने वाला जो शहर है वो है ISL, मुंबई सिटी FC। मुंबई सिटी FC ने ये टूर्नामेंट जीत लिया है। और ISL में कितनी टीमें भाग लेती हैं, टोटल 11 टीमें भाग लेती हैं। कितनी टीमें भाग लेती हैं, 11 टीमें भाग लेती हैं, ठीक है। तो सभी ने सही आंसर दिया है, राही राज, अमित सिंह, घनश्याम दुबे, एनोनिमस जी, बहुत बढ़िया। और घनश्याम जी ने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था लेस देन 1 मिलियन शिमला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है, फटाफट बताइए।
राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? भारत में भारतीय सुरक्षा बलों के सम्मान के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राही राज ने 4 मार्च आंसर दे दिया है। राही राज ने 4 मार्च आंसर दे दिया है। घनश्याम दुबे जी ने भी 4 मार्च आंसर दे दिया है। अमित सिंह जी ने भी 4 मार्च आंसर दे दिया है। सो द राइट आंसर इज 4th of March। 4 मार्च बिल्कुल सही आंसर है। और इसके पहले पूर्णिमा जी ने बताया था कि 11 टीमें भाग लेती हैं। सो वेलकम, बहुत बढ़िया। मुखर्जी, रितु मुखर्जी जी ने भी 4 मार्च आंसर दे दिया है बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य सरकार ने किसानों और उत्पाद समूहों की मदद के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च प्रोग्राम टू हेल्प फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर ग्रुप। प्रोड्यूसर ग्रुप को कहा जाता है फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप, याद रखिएगा बेटा। ठीक है, या OFPO भी कहा जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। तो फटाफट आंसर देना है आपको, फटाफट आंसर देना है। उस राज्य का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेट? किस राज्य सरकार ने किसानों को, ठीक है, मणिपुर आंसर दे दिया सभी ने, डी मणिपुर आंसर दे दिया है। ठीक है, ओके, मणिपुर सभी ने मणिपुर आंसर देना शुरू कर दिया। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो मेरे भाई। FPO बिल्कुल सही है घनश्याम जी, और आंसर मणिपुर दिया जा रहा है। सभी ने मणिपुर आंसर दे दिया है, वेल डन। और सभी का ये आंसर गलत है, ये आंसर सभी का गलत है। क्वेश्चन नंबर 81, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च प्रोग्राम टू हेल्प फार्मर्स एंड प्रोसीजर ग्रुप्स, प्रोड्यूसर ग्रुप्स। ठीक है, तो द राइट आंसर इज मेघालय। मेघालय ने अभी हाल ही में, मेघालय के मुख्यमंत्री कनराड के संगमा ने एक कार्यक्रम शुरू किया जो यह सुनिश्चित करेगा कि किसान और उत्पादक समूह को बेहतर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पर्याप्त गुणवत्ता वाले इनपुट और परिवहन सुविधाएं प्रोवाइड की जा सके। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और यहां के राज्यपाल का नाम है सत्यपाल मलिक। क्या नाम है बेटा? सत्यपाल मलिक। यहां के किसका नाम है? राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का नाम कनराड के संगमा है। ठीक है, मेघालय में ब्लूम अर्थवर्म का मास माइग्रेशन का कार्यक्रम होता है। मेघालय विद्युत वितरण क्षेत्र के लिए ADB से अभी ऋण मिला है। शिलोंग का भारत अंतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहां मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। और मेघालय के लिए भारत विश्व बैंक ने $120 मिलियन का समझौता भी किया है जिससे कि परिवहन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा सके। सो द राइट आंसर इज मेघालय, नोटा, मिजोरम और मणिपुर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अगला क्वेश्चन, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, ये हम आपको करा चुके हैं और इसका आंसर है अनन्या दत्ता। क्या नाम है बेटा? अनन्या दत्ता की ये किताब है। किसकी है? अनन्या दत्ता की किताब है। किसकी किताब है बेटा? अनन्या दत्ता की ये किताब है। ठीक है, अनन्या दत्ता। अगला क्वेश्चन, चाराबार, यस FBG भी बोला जाता है। ठीक है, FPG बोला जाता है बेटा, FPG बोला जाता है। ठीक है, और अमित सिंह जी ने डी आंसर दे दिया उसका। ठीक है, डी आंसर उसका था लास्ट वाले क्वेश्चन का। अनन्या दत्ता बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ गया, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, के मौके पर भारत ने किस पोर्ट के नाम के आधार पर एक दिन का स्मरण किया? ऑन साइडलाइन ऑफ मैरीटाइम इंडिया 2021 इंडिया विल कॉमरेड अ डे बेस्ड ऑन द नेम ऑफ विच पोर्ट? राही राज ने आंसर दे दिया चबाहार। राही राज ने आंसर दे दिया चबाहार इज द राइट आंसर। भारत मनाएगा चबाहार दिवस। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने इसकी घोषणा की है। चबाहार डे के तौर पे मनाया गया है। चबाहार दिवस को भारत द्वारा समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 के अवसर पर मनाया गया। ईरान में स्थित है चबाहार बंदरगाह जो सामरिक महत्व के स्थान की स्थिति पर है, और भारत का कनेक्शन ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और कुछ अन्य देशों के साथ जोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चबाहार। ठीक है चबाहार कहां पे? ईरान में। कांदला इज नॉट अ राइट आंसर, द राइट आंसर इज चबाहार। चबाहार इज द राइट आंसर घनश्याम जी, चबाहार सही आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन 4 मार्च को शुरू हुआ है और ये कहां पे हुआ ये पूछा है, और इसे 6 तारीख को कल यानी यस्टरडे, इसको 6 तारीख को यस्टरडे में किसने संबोधित किया है?
आप सभी को पता होगा इसको संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल सही है घनश्याम सर, आप सही आया। तो निम्नलिखित में से फटाफट बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन 4 मार्च 2021 को शुरू किया गया है? देवेंद्र सर पूछ रहे हैं कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस का रिजल्ट होली के पहले ही आ जाएगा, परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान नहीं होइए। और इसका सही आंसर गुजरात केवड़िया, सभी ने दे दिया, बिल्कुल सही है। गुजरात के केवड़िया में कमांडर्स लेवल की क्या हो रही है, बैठक हो रही है, जिसको संबोधित कौन कर रहे हैं बेटा, जिसको संबोधित प्रधानमंत्री ने 6 तारीख को किया है, प्रधानमंत्री जी ने 6 तारीख को किया है, ठीक है। सो बिल्कुल सही है, गुजरात बी कांदला इज द राइट आंसर, बी केवड़िया इज द राइट आंसर, गुजरात इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसराइल में पहली बार नियुक्ति संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत का क्या नाम है? अगर बात करें तो व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एवर अपॉइंटेड यूनाइटेड अरब अमीरात एम्बेसडर टू द इसराइल, इसराइल में, ठीक है देवेंद्र सर, कोई धन्यवाद का इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं था, आपने एक क्वेश्चन सिंपल पूछा था भाई, आशा अनुमान का समय है और आशा अनुमान के आधार पे ही आंसर दिया जाता है। तो जो एक अनुमान मैं लगा पा रहा हूं, होली के पहले आईबीपीएस क्लर्क में खुशियां मनाई जाएंगी क्योंकि यह इंटरव्यू नहीं होना है, और जहां इंटरव्यू चल रहा है लगातार ताबड़तोड़ रिजल्ट आएंगे, आप लोग खुशियां मनाएंगे और आपकी होली शुभ हो, ये हम लोग आशा करते हैं। तो हम आशा करते हैं देवेंद्र सर, पीटी का फॉर्म कब आएगा? मैम आने दीजिए जैसे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लास्ट बार अभी बहुत ज्यादा बेटा बहुत ज्यादा हम लोगों ने अनुमान लगाया और वो सब गड़बड़ हो गया। सो रिजल्ट का इसलिए अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि मालूम जो अचीवमेंट है वो हर एक सरकार लेना चाहती है, इसीलिए वो होली पे खुशखबरी आएगी, चुनाव भी है, सो इसीलिए फटाफट उसको किया जाएगा पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए, ठीक है। तो मोहम्मद अल खाजा द राइट आंसर दे दिया है भाई साहब, मोहम्मद अल खाजा, घनश्याम जी ने, एनोनिमस जी ने, पूर्णिमा जी ने और ऋतु मुखर्जी ने, सभी ने सही आंसर दे दिया, मोहम्मद अल खाजा इज द राइट आंसर, मोहम्मद अल खाजा इज द राइट आंसर, और मोहम्मद अल खाजा बिल्कुल सही है। इसराइल में पहली बार नियुक्त संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत का नाम मोहम्मद अल खाजा है, बिल्कुल सही है, मोहम्मद अल खाजा है, इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन सिद्धबली मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिद्धबली मंदिर मैंने कल आपको पढ़ाया था, सिद्धबली मंदिर किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे क्यों ये खबर आई है सिद्धमली, इसलिए क्योंकि यहाँ पे नई दिल्ली से ट्रेन चलाई गई है। क्या चलाई गई है बेटा? ट्रेन चलाई गई है, एक नई ट्रेन जो वहां तक जाएगी। तो इसका सही आंसर दीजिए, सिद्धबली मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में? डी राजस्थान दे दिया एनोनिमस जी ने आंसर। ओके और आंसर दीजिए भाई, सभी लोग आंसर दीजिए, क्या आंसर है देखते हैं। सिद्धबली यूके उत्तराखंड, बिल्कुल सही है, जो ट्रेन है वो कोटद्वार तक चली है बेटा। कोटद्वार कहाँ पे है? कोटद्वार की बात करें तो नई दिल्ली कोटद्वार एक ट्रेन चली है, और कोटद्वार की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड का ही एक मंदिर है जिसका नाम है सिद्धबली, जो बहुत फेमस है। क्या है बेटा? जो बहुत फेमस है। सो द राइट आंसर इज उत्तराखंड इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन आ गया है, हाल ही में निम्नलिखित रेलवे स्टेशन को महाराष्ट्र में IGBC गोल्ड प्रमाण प्राप्त हुआ है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज रिसीव्ड IGBC? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज रिसीव्ड IGBC गोल्ड सर्टिफिकेशन इन महाराष्ट्र? फटाफट बताइए भाई, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी, बी आंसर दे दिया है एनोनिमस जी ने, CST, बिल्कुल आंसर दे दिया है दुबे जी ने, बहुत सही, CST और बी बिल्कुल सही है। CST का मतलब है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, बिल्कुल सही है, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस महाराष्ट्र में IGBC गोल्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है, बहुत बढ़िया, द राइट आंसर, द मिंट की खबर है बेटा, द मिंट से खबर उठाइए, हाँ बिल्कुल सही है, CSMT बिल्कुल सही है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बिल्कुल सही है, CST के नाम से फेमस है, वेल डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे COVID-19 महामारी से कमजोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन की अनुमति दी जाए? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अपील टू द सुप्रीम कोर्ट टू अलाउ
it to equate in the Aravalli Hills to revive its economy that has been weakened by the COVID-19 pandemic. फटाफट बताइए किस राज्य ने आंसर देना शुरू कर दिया. एनोनिमस जी ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, हरियाणा आंसर आ गया है. मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट की है कि हमें उत्खनन की अनुमति मिल जाए अरावली हिल्स में. कहां पे? अरावली हिल्स में, ठीक है, अरावली हिल्स में. और अगर बात करें मनोहर लाल खट्टर, तो ये वह राज्य है जिसने ओलंपिक के लिए दो अनाउंसमेंट किए हैं. ओलंपिक, इनके यहाँ के जो भी ओलंपिक में खिलाड़ी जाएंगे सबको 5,00,000 रुपए प्रिपरेशन के लिए दिया गया है. प्लस अगर कोई व्यक्ति गोल्ड लाता है, क्या लाता है? गोल्ड, तो 6,00,00,000 रुपए दिए जाएंगे. 6,00,00,000 रुपए, ठीक है, 6,00,00,000 है गोल्ड पे, 6,00,00,000 है और तैयारी के लिए 5,00,00,000 रुपए है. ऐसा करने वाला राज्य कौन है बेटा? हरियाणा है. ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का शुभारंभ किया. उसी के संदर्भ में बताइए कि कितने राज्यों में लागू किया जाएगा फ्लोरिकल्चर मिशन. कितने राज्यों में लागू किया जाएगा? फ्लोरी का मतलब होता है फ्लावर. क्या होता है बेटा? फ्लावर. मनोहर लाल खट्टर, बिल्कुल सही नाम लिखा है आपने. और अगला क्वेश्चन आ गया है, अगला क्वेश्चन, फ्लोरिकल्चर कितने राज्यों में अभी फ्लोरिकल्चर मिशन कितने राज्यों में चलाया जाएगा? फ्लोरिकल्चर मिशन कितने राज्यों में चलाया जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए भाई. फ्लोरिकल्चर मिशन कितने राज्यों में चलाया जाएगा? सभी ने आंसर दे दिया 21. द राइट आंसर इज 21. बिल्कुल एनोनिमस 21, बिल्कुल सही है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में वर्चुअल मोड के माध्यम से CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का शुरुआत किया है या उद्घाटन किया है. CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन को भारत के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वयन के रूप में चलाया जाएगा. मिशन के तहत CSIR संस्थानों में उपलब्ध नॉलेज बेस का उपयोग किया जाएगा और आयात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय किसानों और उद्योग को पुनः स्थापित स्थिति में लाने में मदद की जाएगी. ठीक है, तो अगर बात करें 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में फ्लोरिकल्चर मिशन की शुरुआत की गई है. सो आप फटाफट यहां पे लिख दीजिए बेटा 21. क्या है सही आंसर? 21. ये क्वेश्चन हो चुका है. संयुक्त राष्ट्र महासभा 2023 को किस रूप में मनाएगा? संयुक्त राष्ट्र महासभा 2023 को किस रूप में मनाएगा? फटाफट आंसर दीजिए भाई, फटाफट आंसर दीजिए. संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2023 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? किस रूप में मनाने की घोषणा की है? बिल्कुल सही आंसर है घनश्याम जी, पूर्णिमा जी और राही राज का इस बार गलत हो गया. कोई दिक्कत नहीं, आप लोग दम लगाए रहो बेटा. और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अगला क्वेश्चन आ चुका है. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने की घोषणा की और इसका अनुमोदन भारत ने ही किया है. किसने किया है बेटा? अंतरराष्ट्रीय बाजरा, यस, ईयर ऑफ मिलेट्स, बिल्कुल सही है. ईयर ऑफ मिलेट्स, डी इज द राइट आंसर. ऋतु मुखर्जी ने भी सही आंसर दे दिया है, राही राज ने भी सही आंसर दे दिया है, पूर्णिमा जी ने भी सही आंसर दे दिया. सो द राइट आंसर इज डी. और इसका अनुमोदन भारत ने ही किया है. किसने किया इसका अनुमोदन? भारत सरकार ने ही इसका अनुमोदन किया है. ठीक है, इसका अनुमोदन किसने किया? भारत सरकार ने. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है. 2023 के अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष का संकल्प भारत के द्वारा किया गया था और 70 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया है. ठीक है, सो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. यस, इंडिया, बिल्कुल सही है. राही राज आपका सही है, बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है. प्रीवियस क्वेश्चन के लिए कहा था मैंने, बिल्कुल सही है. स्टील मेकर आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया, जापान की कंपनी है, निप्पन स्टील इंडिया के साथ किस राज्य के साथ 12 मिलियन टन प्रतिवर्ष ग्रीनफील्ड एकीकृत स्टील प्लांट स्थापित करने का समझौता किया है? यानी आर्सेलर मित्तल और निप्पन इंडिया किस राज्य में अपना स्टील प्लांट लगाने जा रहा है? आसान भाषा में क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, फटाफट आंसर दीजिए. और इसका सही आंसर है उड़ीसा. क्या है बेटा? उड़ीसा इज द राइट आंसर. मध्य प्रदेश नहीं है राही राज, उड़ीसा इज द राइट आंसर. सो हाल ही में स्टील मेकर आर्सेल मित्तल निप्पन स्टील इंडिया ने 50,000 करोड़ के साथ निवेश किया है और
केंद्रपाड़ा जिले में 12 मिलियन टन प्रति वर्ष ग्रीनफील्ड एकीकृत स्टील संयंत्र स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार के साथ क्या किया, एग्रीमेंट किया है, ठीक है। और इसी के साथ आज की क्लास अब हम लोग खत्म करेंगे। सो आज की क्लास यही खत्म होगी। आप सभी से विनम्र निवेदन है, 3-4 क्वेश्चन और हैं, करा दिए जाए 3-4 क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताइए 3-4 क्वेश्चन और हैं, करा दिए जाए फटाफट बताइए 3-4 क्वेश्चन और हैं, करा दिए जाए यस और नो, 3-4 क्वेश्चन और हैं बेटा, करा दिए जाए। यस यस ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस बहुराष्ट्रीय निगम ने 1.45 बिलियन डॉलर के वैश्विक टेक कंपनी कैपको का अधिग्रहण करने का करार किया है। ओके खत्म करते हैं फटाफट, 94 आ गए हैं, 100 ही क्वेश्चन है पूरे, फटाफट खत्म करते हैं। किस बहुराष्ट्रीय निगम ने 1.45 बिलियन डॉलर के वैश्विक टेक कंपनी कैपको का अधिग्रहण किया है, फटाफट। राही राज ने आंसर दे दिया विप्रो, किसने किया है, विप्रो ने किया है, फटाफट आंसर दिए। विप्रो ने लंदन स्थित कैपको को खरीदने के लिए समझौता किया है और यह समझौता 1.45 बिलियन डॉलर में किया गया, बिल्कुल सही है। 100 पूरे करा दीजिए प्लीज, बिल्कुल पूरे करा देते हैं बेटा, 100 पूरे करा देते हैं। विप्रो इज द राइट आंसर, विप्रो इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विप्रो के बारे में भी सुन लीजिए, इसके जो सीईओ, विप्रो के बारे में सुन लो बेटा, इसके सीईओ थियरी डेलापोर्ट हैं, थियरी डेलापोर्ट हैं, संस्थापक कौन थे, एम एच हसम प्रेमजी ने विप्रो की स्थापना की थी, स्थापित कब हुआ था, 29 दिसंबर 1945 भारत में हुआ था, मुख्यालय कहां पे, बेंगलुरु में है, ठीक है, मुख्यालय कहां पे, बेंगलुरु में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत के साथ किस देश का समझौता हुआ है, अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया है, ये क्वेश्चन पढ़ाया है भाई, खबरें भी अलग अलग बदल के आती हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको पढ़ाया एग्रीकल्चर, अजीज प्रेम जी कौन है, अजीज प्रेम जी अभी इनके पहले इसके अध्यक्ष थे, अरे भाई मेरे पापा ने किसी कंपनी को स्टैब्लिश किया, मेरे पापा ने कोई कंपनी को स्टैब्लिश किया तो मैं उस कंपनी में मैं भी तो आऊंगा, ठीक है। तो अजीज प्रेम जी विप्रो से ही है, ठीक है। सो अब तो बुजुर्ग हो गए और हट गए हैं। सो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिजी के साथ एग्रीकल्चर का समझौता किया, बिल्कुल सही, यानी ये क्वेश्चन सभी को याद हो गया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी का नाम बताइए, फटाफट क्वेश्चन दीजिए भाई, फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया, 20 द राइट आंसर, राही राज घनश्याम जी सभी ने सही आंसर दिया। और अगला क्वेश्चन आ गया, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, पोलार्ड आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया, कैरन पोलार्ड ने 6 छक्के मार दिए, और गिब्स के बाद अगर बात करें, युवराज सिंह और गिब्स के बाद ये तीसरे प्लेयर बन गए हैं, युवराज सिंह और गिब्स के बाद ये तीसरे प्लेयर बन गए हैं जो 6 छक्के मारने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97, प्लेटिपस के लिए कौन सा देश दुनिया में पहले शरण स्थान का निर्माण करने जा रहा है, विच कंट्री इज गोइंग टू बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट रिफ्यूजी फॉर द प्लेटिगस, प्लेटिगस तो सभी लोगों ने देखा होगा बेटा, समुद्र में पाया जाता प्लेटिगस, चूहे जैसा होता है लेकिन इसकी थूथन चपटी होती है, थोड़ा बड़ा होता है, तो इसका सही आंसर दीजिए भाई, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सही, द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के जो संरक्षणवादी हैं उन्होंने प्लेटिपस के लिए दुनिया की पहली शरण का निर्माण करने की योजना बनाई है ताकि प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पे है, ठीक है, क्या होने के कगार पे है, विलुप्त होने के कगार पे है, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर, बेल्डन, बहुत बढ़िया, डी इज द, ऋतु मुखर्जी ने भी डी आंसर दिया है, करंट अफेयर्स तो दमदार है भाई, करंट अफेयर्स तो दमदार है, क्वेश्चन फंसेंगे, आपने पेपर अगर दिया हो तो आप देख लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। दक्षिण एशिया डिजिटल मीडिया अवार्ड में वेन इफ्रा द्वारा चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर के रूप में 2 स्वर्ण 2 सिल्वर पदक किस
किस समाचार एजेंसी ने जीते हैं, किस समाचार एजेंसी ने 2 स्वर्ण 2 गोल्ड पदक जीते हैं, फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए। हु हैज वॉन द 2 गोल्ड एंड 2 सिल्वर ऑफ साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड बाय वैन इफ्रा इन बीइंग नेम्ड चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर। फटाफट आंसर दीजिए भाई, इसका आंसर क्या होगा? द हिंदू ग्रुप, बिल्कुल सही है, द हिंदू ग्रुप बिल्कुल सही। घनश्याम राही राजी ने सबसे पहले आंसर दिया द हिंदू ग्रुप, क्या है सही आंसर? द हिंदू ग्रुप इज द राइट आंसर। 98 क्वेश्चन हो चुके हैं, 98 क्वेश्चन हो चुके हैं और द हिंदू ग्रुप इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में कथित रूप से किस हथियार के उपयोग की जांच करने के लिए सिफारिश की है? हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कथित रूप से हथियार, किस हथियार की जांच करने के लिए बात की? अगला क्वेश्चन आ चुका है, रिसेंटली इंडिया हैज कॉल्ड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द अलाइड यूज ऑफ विच वेपन एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और इसका सही आंसर है बेटा, इसका सही आंसर है केमिकल वेपन। क्या है बेटा? बिल्कुल सही है, राही राज ने आंसर दे दिया केमिकल वेपन। क्या आंसर है? केमिकल वेपन। क्या आंसर है? केमिकल वेपन। क्या आंसर है? केमिकल वेपन इज द राइट आंसर। ठीक है केमिकल वेपन। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन ऑफ द डे, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इज अ 100th क्वेश्चन, 100th क्वेश्चन है ये, 100वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 100वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट आंसर देना है 100वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? फटाफट आंसर दीजिए भाई, हाल ही में किस राज्य ने इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? द राइट आंसर इज कर्नाटका। सही आंसर क्या है बेटा? कर्नाटका यानी सी है। सही आंसर क्या है? कर्नाटका और सी है। क्या है सही आंसर? कर्नाटका और सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास में हम देंगे विराम। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल एस्पायरेंट्स हु पार्टिसिपेट इन माई सेशन, those persons participating in my session. So, सभी को धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ हम अब आपसे विदा लेंगे। इस वीक के सभी करंट अफेयर्स करा दिए हैं, अगले वीक से ये वीकली करंट अफेयर्स ऐप के ऊपर आएंगे, स्पेशल क्लास में आएंगे यूट्यूब की जगह पर। तो आप लोग जुड़े रहिए अपने अरविंद सर के साथ और आप पढ़ते रहिए करंट अफेयर्स। तो नाउ थैंक यू वेरी मच, सो गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।